लक्ष्य। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। लक्ष्य जो इस संसार के 85% लोगों के पास तो होते ही नहीं, और जिन 15% के पास होते हैं उनमें से 12% लोगों के लक्ष्य केवल उनके दिमाग में होते हैं, और वो जीवन भर वही रहते हैं, दिमाग के किसी कोने में वही पड़े सड़ते रहते हैं। क्योंकि ये लोग अपने लक्ष्य जीवन भर ना तो कभी लिखते हैं और ना ही किसी को बताते हैं, और बढ़ती उम्र के साथ जिम्मेदारियों और मजबूरियों की एक मोटी चादर में दम घोटते ये लक्ष्य हर रोज मरते हुए अगर और शायद जैसे शब्दों के साथ अफसोस और पछतावे में बदल जाते हैं, क्योंकि ये लक्ष्य केवल दिमाग में रहे, कभी पेपर पर लिखे ही नहीं गए, क्योंकि शायद इन लक्ष्यों में वो जान नहीं थी कि साकार हो पाते, या शायद लक्ष्य ही गलत चुने गए। और बहुत से लोग तो दुनिया के मजाक के डर से या खुद पर भरोसे की कमी के कारण इन्हें हमेशा अपने अंदर ही रखते हैं। बाकी बचे 3% लोग, ये वो लोग हैं जो भली भांति जानते हैं कि उनके लक्ष्य क्या हैं। वे लिखते हैं अपने लक्ष्यों को और बताते हैं दूसरों को कि उन्हें जीवन में क्या पाना है, कैसे पाना है और कब तक पाना है। और यही वो 3% लोग हैं जो दुनिया के बाकी 97% लोगों को और इस संसार की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। और बाकी की भीड़ जिनके खुद के लक्ष्य नहीं होते, वो दूसरों के लक्ष्यों के लिए काम करते हैं। इसका कारण ये नहीं कि 97% लोग काबिल नहीं है, या उनके पास अवसरों की कमी है, या उन सब के जीवन की परिस्थितियां खराब है। इसका मुख्य कारण है कि 85% लोग अपने सपनों और अपनी इच्छाओं को ही अपना लक्ष्य मान बैठते हैं, जिन्हें लक्ष्य और इच्छाओं का अंतर ही पता नहीं चलता। आज भी मेरे पास ढेरों ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनमें ज्यादातर मेरे भाई अपनी इच्छाओं का जिक्र तो करते हैं, लेकिन लक्ष्यों का जिक्र करने वाले कमेंट्स कम ही होते हैं। कोई दूसरा इलोन मस्क बनना चाहता है, तो कोई अगला मुकेश अंबानी, कोई अमीर बनके ढेरों पैसा कमाना चाहता है, कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है, कोई सफल होना चाहता है, लेकिन ये सब तो परिकल्पनाएं हैं। हाँ, इतिहास इस बात का जरूर साक्षी है कि कल्पनाएं ही भविष्य में यथार्थ का रूप लेती हैं, बशर्ते आपके पास सही लक्ष्य हो, लक्ष्य जो बताते हैं कि किन रास्तों पर चल के ये सपने सच करने हैं, लक्ष्य जिसमें योजनाएं होती हैं कि जो पाना है वो कैसे पाना है और उसके लिए क्या करना है, लक्ष्य जिसमें एक समय सीमा तय होती है कि कब तक पाना है। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी कोई दिशा निर्धारित ही नहीं है, और बिना दिशा के आपके सामने कई दिशाएं होंगी। जब एक से ज्यादा दिशाएं होंगी तो इधर उधर जाते रास्ते आपको कहीं नहीं ले जाएंगे, और आप अपनी इच्छाओं का बस्ता थामे वहीं खड़े रहेंगे, बिल्कुल बिना एड्रेस के लिफाफे, बिना पतवार की कश्ती या बिना डेस्टिनेशन की ट्रेन की तरह। बिना लक्ष्य के आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां से रास्ते कहीं भी नहीं जाते। बिना लक्ष्य के सपने केवल सपने ही रहते हैं, और ऐसे सपने एक ना एक दिन तो टूटने ही वाले हैं, और आप अपने आप को भविष्य में कहीं ऐसी जगह पाएंगे जहां आप होना नहीं चाहेंगे। चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपको किसी हिल स्टेशन पर जाना है फैमिली के साथ छुट्टियां बिताने, तो आप क्या करते हैं? केवल एक सपना देखने से या केवल सोचने से घूमाएंगे आप? नहीं, आप सबसे पहले जगह डिसाइड करेंगे, फिर जाने का साधन यानी कि बस, ट्रेन, फ्लाइट और फिर होटल। फिर वहां क्या एंजॉय करेंगे आप, वहां से वापसी की प्लानिंग करते हैं। यानी कि अगर आपको केवल कुछ दिन घूमने जाना हो तो आप उसके लिए लक्ष्य बनाते हैं, केवल सपना नहीं देखते, उसके लिए पूरी योजना बनाते हैं। तो फिर ये जीवन जिसमें आपने मीलों का सफर तय करना है उसके बारे में कोई प्लानिंग ही नहीं करते, बस चले जा रहे हैं, ऊपर वाले के सहारे कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। दोस्तों, बिना लक्ष्य के इंसान कहीं भी नहीं पहुंचता, और अगर लक्ष्य है तो पेपर पे उतारो उसको, तभी जिंदगी की ये इमारत शानदार बनेगी। दोस्तों, इस दुनिया की कोई भी इमारत 3 बार बनती है, पहली बार दिमाग में, फिर पेपर के नक्शे पर, और फिर इस दुनिया के सामने मुकम्मल होती है। तो इसलिए सबसे पहले अपने लक्ष्य निश्चित करो और फिर पेपर पर उन्हें उतारो।
अगर आप अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को वास्तविकता में बदलना चाहते हैं तो इसके लिए अपने लक्ष्यों को निर्धारित कीजिए। बिताइए कुछ समय केवल अपने साथ और जानिए कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, और वो सब एक पेपर पर या डायरी पर लिख दीजिए। और ये प्रश्न शुरू कीजिए आज से। आप जिस उम्र में भी हैं वहीं से लिखिए कि आने वाले एक साल में आपके क्या गोल होंगे जिन्हें आप पाना चाहते हैं, फिर अपने आने वाले 3 साल के गोल क्या होंगे, और फिर 5, 10, 15, 20, 25, 50, और जब आप 80 या 90 वर्ष के होंगे आप अपने आप को कहां देखना चाहेंगे। वो सब एक पेपर पर, एक डायरी पर लिख दीजिए। आपको ये प्रश्न खुद से करने होंगे कि आपको अपनी जिंदगी में क्या पाना है। प्रश्न कीजिए खुद से, एक बार नहीं सैकड़ों बार एक ही प्रश्न कीजिए, और इस प्रश्न के जितने भी उत्तर आपके दिल या दिमाग में आए, यानी कि आपके सभी सपने, सभी चाहते एक पेपर पर लिख लीजिए कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है, क्या बनना है, क्या पाना है, कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, कैसी बॉडी चाहिए, कहाँ घूमना है, किसको घुमाना है, कैसे रिश्ते रखने हैं, कैसी रिटायरमेंट लाइफ जीनी है, सब लिख डालिए। चाहे कितने भी हो, 100, 20, 50 या फिर 100 या फिर इससे भी अधिक, जो भी आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं, फिर वो चाहे मुमकिन हो या नामुमकिन हो, फिर चाहे वो आसान हो या मुश्किल, आपकी सामर्थ्य में हो या सामर्थ्य से बाहर, लिख डालिए बिना सोचे। क्योंकि जब आपके सपने, आपके लक्ष्य आपके सामने होंगे एक पेपर पर, तभी आपको पता चलेगा कि आप उनमें से बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ पा सकते हैं। क्योंकि दिमाग के नक्शे जब तक पेपर पर नहीं आते वो केवल एक ख्याली पुलाव कहलाते हैं, और कागज के नक्शों से ही शुरुआत होती है शानदार इमारतों की और भव्य महलों की। तो अगर आपको अपनी जिंदगी की इमारत को शानदार बनाना है, अपने सपनों का एक भव्य महल खड़ा करना है, तो ख्याली पुलाव की दुनिया से बाहर आइए। अपनी सभी इच्छाओं को, अपनी सभी सपनों को, अपने सभी लक्ष्यों को एक कागज पर लिख डालिए। फिर चाहे ये आपकी स्टडी, कैरियर, बिजनेस, म्यूजिक, हॉबी या फिर खुद के व्यक्तिगत लक्ष्य ही क्यों ना हो, लिख डालिए जो भी 80, 100 या 90 साल तक के जीवन में आप करना चाहते हैं, आप पाना चाहते हैं। क्योंकि इसी लिस्ट में आपको मिलेंगे आपके लक्ष्य, और इन्हीं लक्ष्यों में आपको मिलेगा आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य। ओके, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा वीडियो ऑडियो क्लियर है क्या? मेरा वॉइस आ रहा है सभी को? यस करण जी, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, यस थैंक यू। मैं देख पा रहा हूँ बहुत से परिवार यहाँ पे आ चुके हैं, 400 के आसपास। मैं वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का इस सक्सेसफुल स्टोरी के अंदर। और आज आप सुनने वाले हैं एक ऐसी पर्सनालिटी को, अमेजिंग स्टोरी आपके बीच में होने वाली है। उससे पहले मैं आपको बता दूं मेरा परिचय। मायसेल्फ डॉक्टर करण जी, मैं प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, झुंझुनू राजस्थान से बोल रहा हूँ। इस कम्युनिटी में, जिस सिस्टम में आज आप आए हो, 3.5 साल पहले मेरी शुरुआत हुई, और एक सामान्य व्यक्ति की तरह। हमारा कोई विशेष ऐसा कोई गोल नहीं था कि हमें कोई व्यापार करना है, कोई बिजनेस करना है, बट हम आप लोगों की तरह हेल्थ को ठीक करने के लिए आए थे। ऐसे ही आज आपके बीच में जो सर आने वाले हैं, ऐसा ही स्थिति उनके साथ हुई। लेकिन जर्नी यहां तक पहुंच गई हमें भी पता नहीं लगा, और मेरी वाइफ उर्मिला, हम दोनों इस सिस्टम की शुरुआत की। और मैं एक छोटा सा पिक मैं अपना शेयर करूंगा, उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा मैसेज दूंगा, उसके बाद हम यहाँ इन्वाइट करेंगे हमारे सभी के मेंटर मिस्टर विजय सिंगल जी को। मेरे सिस्टम में आने का जो उद्देश्य था वो इस तरह का पूरा हुआ। ये मेरा पिक था पुराना, आप देख सकते हैं, ये बहुत प्यारा पिक है मेरे लिए। ये मेरा बर्थडे था उस दिन 23 जनवरी 2019 को, और आप देख सकते हैं ये पिक मैंने बड़े चाव से खिंचवाया, बहुत अच्छी ड्रेस पर खिंचवाया, बट आज लाइफ बदल चुकी है। ये हर्बलाइफ के संग हमने कुछ तस्वीर चेंज की अपनी, आप क्लेम कर सकते हैं, ये तस्वीर आपकी भी हो सकती है। ये तस्वीर हमारी बनने के बाद हम लोगों ने एक ही तय किया कि ऐसी तस्वीर हम लोगों की बनाएंगे, और आज हम यही काम करते हैं, इस तरह की पिक्चर लेते हैं और नई पिक्चर में तब्दील कर देते हैं। और ऐसा आप भी कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, शायद कोई हो सकता है किसको क्या फीलिंग आ रही है, मुझे कोई आइडिया नहीं, बाकी मैं ये बता सकता हूं अपने अंदरूनी फीलिंग के माध्यम से अरबों रुपए में ऐसी तस्वीर नहीं बदल सकती, ये क्लियर है। पैसे से ये तस्वीर नहीं चेंज कर सकते, ये सत्य है। इसके पीछे क्या, इसके पीछे एक साइंस है, और उस साइंस का नाम केवल 2 शब्दों पर है। अगर एक व्यक्ति अपनी जीवन शैली बदल लेता है और एक व्यक्ति अपना खाना पीना बदल लेता है, तो अपनी तस्वीर को 1000 गुना बदल सकता है। और ऐसी तस्वीर बदलती आज काफी तस्वीरें आप यहाँ पे देखने वाले हैं। अगेन मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं और स्वागत करता हूं उन सभी लोगों का जो अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, एक नई इंस्पिरेशन लेने के लिए यहां पे आए हैं।
रिक्वेस्ट आप लोगों से एक ही है, आप अपने अपने वीडियोस को ऑन रखिए, अपना वीडियो स्टेबल कीजिए, और जिनके पास मोबाइल है ऐसे ऐसे मत कीजिए, आप इसको ऐसे कीजिए, आप ऐसे करेंगे तो आपका पिक ऐसे दिखेगा जैसे आपके अपने लैपटॉप के सामने, ओके। और हाँ, ये स्टेबल कीजिए। दूसरा रिक्वेस्ट आपसे, आप सभी घर में है, एक अच्छे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जो कि सक्सेसफुल पर्सनलिटी है, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सिंगल मत बैठिए, अपनी फैमिली में जितने भी लोग अभी घर में और हैं आप उनको पास ही बिठाइए, क्योंकि लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम नहीं है, लोगों की जिंदगी बदली उन्होंने, ऐसा नॉर्मल पर्सनलिटी नहीं है। उनसे मिलने के लोग तरसते हैं कि वो किधर मिले, दो मिनट मिलने के लिए लोग बाग सोचते हैं कि यार कभी मिल जाए हम कभी, है ना। तो आप लोग अपने घर में जितने भी लोग अभी बचे हुए हैं सभी को बिठाइए पास में, उनको बुलाइए कि आप देखिए ये एक घंटा जिंदगी बदल देगा, रियलिटी बता रहा हूं आपको, ये एक घंटा आपको जीवन भर याद रहने वाला है। ज्ञानेंद्र जी को हमने करीबी से देखा है, उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन अपना बनाया है, और ऐसा नहीं, हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज वो सक्सेसफुल पर्सनलिटी आप बन चुके हैं, और उससे भी बेस्ट आप लोग बन सकते हैं, आप लोग अपने आप को बेस्ट बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास दो एक्सपीरियंस हो जाएंगे, एक ज्ञानेंद्र जी का एक्सपीरियंस और एक अपनी खुद की बॉडी का एक्सपीरियंस। तो डेफिनेटली, और मुझे इस सिस्टम में 3.5 साल पहले मेरे स्पॉन्सर मिस्टर दलीप बजाज सर लेके आए, क्लेम कर सकते हैं उनके लिए, मैं नमन करता हूं हमेशा उस व्यक्ति का कि हमें ऐसी जिंदगी प्रोवाइड किया, और उसके बाद में ऐसे ऐसे व्यक्तित्व से हमें मिलने का मौका मिला जिनको देख करके हम लोग यहाँ पे चेंज हुए, और उनका नाम है मिस्टर विजय सिंगल जी। क्लेम कर सकते हैं मिस्टर विजय सिंगल जी के लिए, एक साधारण व्यक्ति नहीं है। हो सकता है हम लोग जब स्टार्टिंग मिले तो हमने देखा सर क्या बात है, क्या फैंटास्टिक काम कर रहे हैं, है ना, और हमने उनको देख करके हम आगे बढ़े, हमने प्रेरणा का स्रोत है वो, और सबसे बड़ी बात उन्होंने एक चीज करके दिखाया, क्या आज वो प्रेसिडेंट टीम लेवल पे हैं, उन्होंने करके दिखाया कि आप भी ऐसा कर सकते हो, उन्होंने करके दिखाया कि आप भी सक्सेस हो सकते हो। अगर मैं एक साधारण सा व्यक्ति अगर यहाँ पे है साधारण काम कर सकता हूं, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। और हमारे लिए हर महीने इस तरह की दो प्रोग्राम अटेंड करते हैं हम लोग, जिससे हमारी जिंदगी बदलती है। डेफिनेटली मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ, दिल से। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग भी क्लैपिंग कीजिए हार्ट सर के लिए, बहुत बढ़िया, और हमारे लिए इतना शानदार कर रहे हैं, आप सोचिए कौन करता है इतना ज्यादा मेहनत। और हमारे लिए सर अलग अलग स्पीकर्स की व्यवस्था करते हैं, ऐसा यूनिक प्रोग्राम हमारे बीच में लेके आते हैं, डेफिनेटली वो सुपर। और अभी तो सर का प्रेजेंट टीम अभी है, आप ये मत सोचिए प्रेजेंट टीम, अभी उन्होंने नींव रख दिया है 15K का, है ना। तो क्लैपिंग करके हम इन्वाइट करते हैं सर को, वापस से इन्वाइट करते हैं, एक शानदार, ऐसे इन्वाइट से नहीं आएगा, ऐसे तो ऐसे ऐसे थोड़ी होता है, ये इन्वाइट करने का तरीका नहीं। यस, इन्वाइट करने के लिए क्लैपिंग कीजिए ऊपर आप करके। यस, प्रेजेंट टीम मिस्टर विजय सिंगल जी सर का। यस सर, ओवर टू यू। वाओ, थैंक यू सो मच डॉक्टर करण, एक बार जबरदस्त क्लैप करेंगे हम डॉक्टर करण के लिए, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड जबरदस्त वर्किंग कर रहे हैं वो, और काफी लोगों की लाइफ में चेंजेस हैं। अभी हैंड रेज नहीं करेंगे हम लोग। नमस्कार सभी को, अगेन गुड मोर अर्निंग, क्योंकि मैं कभी गुड मॉर्निंग नहीं बोलता, गुड मोर अर्निंग। आज भी हमारी बहुत बड़ी अर्निंग होने वाली है ना। तो मेरा नाम विजय सिंगल है और मैं हरियाणा यमुनानगर से हूँ, 7 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। कुछ लोग बोलते हैं ये इंडस्ट्री है क्या, मैंने बोला यस, ये भी इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर भी इंडस्ट्री है, सब कुछ एक इंडस्ट्री है। हेल्थ इंडस्ट्री में 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं आज ज्यादा अपने बारे में नहीं बताऊंगा। मैंने यहां से अपना 13 kg फैट लॉस किया है और 8 inches कमर से कम किए हैं। क्या देख के, मैं इधर पैसा कमाने के लिए नहीं आया था, मैं आया था इधर हेल्थ कमाने के लिए नहीं आया था, पैसा कमाने के लिए आया था। बट आज जो पर्सनैलिटी आपसे मिलने वाली है, ही इज माई को स्पॉन्सर, और उनकी वजह से आज मैं यहां हूं, है ना। जब वो मेरे स्पॉन्सर और वो दोनों आशुतोष मिश्रा फ्रॉम जयपुर और ज्ञानेंद्र सर फ्रॉम मेरठ, जब वो दोनों आए और उन्होंने आके बोला, मैं आशुतोष जी को तो काफी दिन से जान रहा था, देख रहा था, बट उनको मैं 2-3 साल के बाद मिला था, हाँ लगभग 3 साल के बाद। तो उन्होंने मतलब बैठे वो, मैंने बोला इनके साथ आए होंगे, और उन्होंने जब कहा विजय भाई, मैंने उनकी आवाज से पहचान लिया, क्योंकि वो अक्सर मुझे ऐसे बोलते थे विजय भाई। मैंने बोला विजय भाई ये तो ज्ञानेंद्र सर की आवाज है, तो उन्होंने बोला हाँ मैं ही ज्ञानेंद्र हूं। तो मैंने देखा यार इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है किसी का, है ना। तब मैंने सोचा कि ट्रांसफॉर्मेशन तो थोड़ा बहुत हम भी कर ही लेते हैं, है ना। बट आज आपके सामने वो बताने वाले हैं अपनी कहानी, मतलब उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी, है ना, क्या उन्होंने हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज ट्रांसफॉर्मेशन किया, और अभी उन्होंने एक नया टॉय भी लिया है, वो सब उसके बारे में बताने वाले हैं आपको, है ना। तो मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा देर ना रहते हुए, हम लोग बाद में सर का थैंक्स करेंगे, और सर आज कहीं बहुत जरूरी मीटिंग में थे और कल भी, और उसी के बीच में से उन्होंने टाइम निकाल के हम लोगों को, यानी आप सब लोगों को अपनी ट्रेनिंग, अपनी स्टोरी सुनाने का टाइम दिया है।
तो हम एक घंटा अच्छे से ध्यान से कॉपी पेन लेके वीडियो ऑन करके फ्रेश एनर्जी ड्रिंक लेके बीच में चहल पहल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें और हमें किसी भी व्यक्ति को डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है कि सामने वाले कुछ 8-10-20 लोग जो दिख रहे हैं वो हिल रहे हैं या उधर उधर जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बैठे जहां पे नेटवर्क है, और आप लोगों की जोरदार और जिंदा दिल ताड़ियों के बीच में मैं इन्वाइट करता हूं, हेल्प मी टू वेलकम एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम सून टू बी 20 के ज्ञानेंद्र सर फ्रॉम मेरठ, क्रांतिकारी शहर मेरठ से बिलोंग करते हैं सर। हेल्प यू वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय भाई, एंड बहुत बहुत धन्यवाद करण जी आपका इतना शानदार इवेंट शुरू करने के लिए, एंड वेलकम एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम सो मच एक्साइटेड टू सी एवरीवन ऑन दिस कॉल। मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर सुबह सुबह, बहुत उत्साहित हूँ, एंड जो 60 मिनट मुझे नवाजे हैं विजय भाई ने, तो मुझे उम्मीद है कि ये 60 मिनट आपके जिंदगी बदलने के पहले 60 मिनट हो सकते हैं। मैंने क्या बोला, ये 60 मिनट आपकी जिंदगी बदलने के पहले 60 मिनट हो सकते हैं, और यहां से आपकी बड़ी शुरुआत हो सकती है। अच्छा विजय भाई, मेरी आवाज ठीक से आ रही क्या? बिल्कुल क्लियर, सुंदरता सब कुछ ठीक आ रही है। मैं सुंदर लग रहा हूँ ना? ठीक से, एकदम बढ़िया, पहले से भी ज्यादा। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो सभी का स्वागत है इस कॉल के ऊपर, और मेरा नाम ज्ञानेंद्र है, मैं मेरठ से हूँ, और खुशी की बात यह कि मुझे 8 साल हो गए हैं। कितने? 8 साल लगातार। सो हैव यू हैड योर शेक टुडे? कि आपने अपना शेक पिया आज का? बढ़िया। और मुझे 8 साल हो चुके हैं लगातार शेक पीते हुए, और हर्बलिफ को हम बोलना चाहें तो इट इज ऑल अबाउट स्टोरीज। ये केवल कहानियां हैं, वर्सेस कहानियां हैं आपकी सेहत के बारे में, कहानियां हैं जीवन के बदलाव के बारे में। तो ऐसे कुछ जैसा कि आपने अभी विजय भाई को सुना है, तो आप सब जानते हैं विजय भाई को, जोर से ताली करेंगे विजय सिंघल जी के लिए, कितना जबरदस्त उन्होंने बदलाव अपने जिंदगी में किया, अपनी सेहत में किया। केवल आए थे वो पैसे कमाने, लेकिन सेहत रूपी धन जो उनको मिला, तो मुझे उम्मीद है कि वो धन ज्यादा बड़ा दिखता होगा उनको आज, जो बाकी धन कमाया उसके अलावा। नहीं, यस, तो ये है। तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा, यहाँ पर अपने बारे में बताऊंगा, और मेरी कहानी का उद्देश्य एक है कि आप ये जान सकें कि जो मैं कर सकता हूं आप भी कर सकते हैं, एंड यदि मेरे जीवन में वो पॉसिबल हो सकता है तो आप भी उसे कर सकते हैं। हर एक कहानी जो आपके सामने आती है वो केवल एक डोर है जिसे पकड़ के हम आगे बढ़ते रहते हैं, वो केवल एक ऐसी टॉर्च है जिसे देख के हम आगे बढ़ते रहते हैं। और ऐसे मेरे साथ भी हुआ है, हम भी यहां तक पहुंचे हैं कहानियां सुन सुन करके, एंड विजय सिंघल जी पहुंचे कहानियां सुन सुन करके। एवरी लीडर हियर, जो भी यहां पर गेट टीम मेंबर, वर्ल्ड टीम मेंबर, मिल टीम, एवरीवन, सभी यहां पर कहानियां सुन सुन के पहुंचे हैं। तो एक बार सब लोग ताली करेंगे हमारी लीडरशिप ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेंबर्स के लिए, बहुत बढ़िया, एंड कितना शानदार तरीके से वो चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एंड आप ताली करेंगे मिलेनियम टीम मेंबर्स के लिए, इज अनबिलीवेबल, एंड आप ताली करेंगे मिल सैनफर्डवाजी और दिलीप बजाज जी के लिए, कितना शानदार लीडरशिप वो आगे निकल के आ रहे हैं सामने, और बहुत बढ़िया वो कर रहे हैं। तो जैसा को, और मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ, और आप सबको मेरठ के बारे में मालूम होगा, मेरठ यूपी में डिस्ट्रिक्ट है, और वहां पास में मेरा गाँव है, तो मैं एक सिंपल गाँव से रहने वाला हूँ और किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप में से अधिकतर लोग इस कॉल के ऊपर किसान परिवार से ही होंगे। तो लेट मी शेयर माय स्टोरी, मैं अपनी स्टोरी अपनी पीपीटी के माध्यम से आपको शो करूंगा। तो ये देखिए, मैंने जब पढ़ाई पूरी की अपनी, तो पढ़ाई पूरी करने के बाद में मैंने डिफेंस सर्विसेज इंडियन नेवी को मैंने ज्वाइन किया, आई वॉज इन नेवी, एंड इसके पीछे पापा का भी सपना था कि बेटा बैल की नौकरी करें, लेकिन मेरा सपना था कि मैं इंजीनियर बनूं। लेकिन ऐसे में मेरे घर में कुछ ऐसा अच्छा हुआ मेरे परिवार में, जिसकी वजह से मुझे एजुकेशन फील्ड में ही, मुझे डिफेंस में ही मुझे जाना पड़ा। सो व्हेन आई ज्वाइन नेवी, तो आई वाज सो मच एक्साइटेड, क्योंकि सरकारी नौकरी लग गई, गवर्नमेंट जॉब होगी, जैसे कि एयरफोर्स होती है, जैसे कि आर्मी होती है, वैसे नेवी मैंने ज्वाइन किया। तो मैं बहुत खुश हुआ कि सरकारी नौकरी लग गई, लाइफ सेट हो गई, एंड बहुत मजा मुझे वहां पर ट्रेनिंग के दौरान आ रहा था। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान ही मुझे कुछ ऐसे बुक्स पढ़ने को मिले लाइब्रेरी में, जो कि अकस्मात ही कहूंगा वे बुक शायद इसलिए रखे हुए नहीं थे कि उनको मैं पढ़ूंगा, बट देट वॉज ए चांस। कुछ डिफरेंट बुक्स थे जो मैंने कभी अपने स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़े। अच्छा, स्कूल में लोग क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, ये सब पढ़ते हैं। लेकिन ये सब पढ़ पढ़ के मैं वहां जा चुका था, बट वहां जो मुझे पुस्तक मिली वो शायद, मुझे ऐसे भी लगता है आज कि शायद मैं नेवी में गया था उसको पढ़ने के लिए। यदि मैं अपने नॉर्मल लाइफ में होता, मुझे ऐसी किताब मिल भी नहीं पाती, मुझे ऐसा लगता है।
तो जब मैंने उस पुस्तक को पढ़ा और उसके बाद बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, तो इसकी वजह से हुआ क्या, उसे नोट कर सकते हैं, उसकी वजह से मेरा व्यक्तित्व का विकास हुआ, मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हुई, जो कि नॉर्मली स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है उससे पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाती है, उससे हमारे दिमाग का विकास नहीं हो पाता है, उससे हमारी सोच नहीं बढ़ पाती है, उससे हमारे सपने बड़े नहीं हो पाते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो पुस्तकें मैंने पढ़ी उसकी वजह से मेरे सोचने का दायरा बड़ा हो गया, जो चीज मुझे पहले बहुत बड़ी लगती थी वो मुझे फिर छोटी लगने लगी, जिन चीजों में मुझे लगता था कि इतना हो जाए तो बहुत बढ़िया है, वो लगने लगा कि यार ऐसा कुछ होगा तो शुरुआत है लाइफ की, वो तो गॉट इट, मतलब सोचने का मेरा दायरा थोड़ा बढ़ गया। अब इस वजह से क्या हुआ, मेरे सपने बड़े होना शुरू हो गए। आप लिख सकते हैं यदि इंसान का सोचने का दायरा बढ़ता है, यदि इंसान का व्यक्तित्व विकास होता है, तो उसके सपने हमेशा बड़े होते हैं, मतलब जितना इंसान सोच सकता है उससे बड़ा इंसान सोचता है, और जब इंसान के सपने बड़े होते हैं तो फिर उन्हें पूरा करने का रास्ता भी ढूंढता है इंसान। तो ऐसे में मैं उनको पूरा करना चाहता था, मेरे सपनों को, लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि नौकरी करने से वो सपने पूरे नहीं होंगे। मुझे किताबों से पता लगा कि नौकरी करने सपने पूरे नहीं होंगे, उन सपनों को पूरा करने के लिए मुझे कोई बिजनेस करना पड़ेगा, एंड बिजनेस करने वालों को नॉर्मली, चूंकि मैं किसान परिवार से हूं, तो नॉर्मली धोखा देने वाला मानता था, बेईमानी करने वाला मानता था कि बेईमानी करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। लेकिन उन्हीं पुस्तकों से आगे चल के मुझे मालूम पड़ा कि यदि हम बिजनेस करें या हम कोई नौकरी करें, दोनों तरह से ही हम अपने देश और अपने समाज की सेवा कर सकते हैं। तो ऐसे में मुझे बहुत सारी क्लैरिटीज किताबें पढ़ने से मिली, एंड उन्हें बोलते हैं लाइफ स्किल्स बुक्स। अभी आगे चल के बताऊंगा मैं आपको उन बुक्स के बारे में, आप नोट कर सकते हैं यदि आपको उन पुस्तकों को पढ़ना है तो। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो पुस्तकें मुझे नेवी में ट्रेनिंग के दौरान पढ़ने को मिली, और फिर एक पुस्तक में क्या होता था, अगली पुस्तक का नाम मिलता था, तो सारी पुस्तकें वहां नहीं मिली मुझे, मुझे खाली एक दो पुस्तकें मिली वहां लाइब्रेरी के अंदर, बाकी सारी पुस्तकें मैंने बाहर खुद खोजी, जब मुझे ना मिले एक पुस्तक में अगली पुस्तक का, गॉट इट। तो ऐसा करते करते मैंने फैसला किया कि मैं अपने सपने पूरे करूंगा और अपने देश और समाज की सेवा करने के लिए अब मैं व्यापार करने के तरीके को अपनाऊंगा। अच्छा, मेरी आवाज करण जी साफ आ रही है, मुझे थोड़ा नेटवर्क मेरा चैलेंज लग रहा है यहाँ पर कुछ। जी सर, ओके, आवाज साफ आ रही मेरी, बिल्कुल वीडियो साफ आ रही है, बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया, चलिए ताली करो भाई विजय भाई के लिए, सपोर्ट करने के लिए मुझे, बढ़िया। तो इस तरह करके मैंने फैसला किया कि मैं बिजनेस करूंगा, मैं अपने सपने पूरे करूंगा और अपने देश और समाज की सेवा करने के लिए मैंने व्यापार करने के तरीके को अपनाया। लेकिन आपको अब इस बात का मालूम ही होगा कि जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं क्या होता है, वहां पर नया बिजनेस को शुरू करते हैं, नया काम शुरू करते हैं, तो एकदम से तो मतलब ऐसा नहीं होता ना कि लोग दौड़ दौड़ के आपके पास आते हैं कि हमको बताओ हमको बताओ हमको भी चाहिए आपसे प्रोडक्ट, सर ऐसा तो होता नहीं है। तो जो भी मैंने काम करना शुरू किया हुआ क्या, मेरी शुरुआत नुकसान के साथ हुई, मुझे बहुत लॉसेस हुए, मुझे बहुत घाटे हुए, मैं लगातार जो भी काम कर रहा था, मतलब बहुत अजीब सा बिजनेस था, आप भी हंसोगे सोच करके सुन करके, मतलब जितना मैं पैसा कमाता था ना, मैं उससे फालतू पैसे लगातार लगा रहा था उसके अंदर, गॉट इट, जितना पैसे कमा रहा था उससे फालतू हमेशा लगा रहा था। तो हमेशा क्या हो रहा था, हमेशा मैं कर्जे में आ रहा था, हमेशा मुझे नुकसान हो रहे थे, और उसकी वजह से मैं अपने परिवार में जो नॉर्मल जरूरतें हैं जैसे कि मकान का किराया पे करना, मैं वो भी पे नहीं कर पा रहा था, बच्चों की फीस पे करना, मैं वो भी पे नहीं कर पा रहा था, एंड जो नॉर्मल जरूरतें परिवार की, किराने का सामान, बिजली के बिल, आप समझ सकते हैं, मतलब जो भी सारे काम थे सारे टाइम पे नहीं हो रहा था, और जो काम होता भी था ना तो ऐसा नहीं था कि पैसे कमा के मैंने किया, उसके लिए भी एडजस्टमेंट चलती रहती थी, हमेशा एडजस्टमेंट, ठीक है, पैसा यहां से ले वहां से ले, तो मैं कर्जे बढ़ा रहा था। अब हुआ क्या, ऐसे में जब कर्जे लगातार बढ़ रहे थे तो मुझे एक चीज ने हमेशा रोक के रखा, वो क्या था, वो था मेरा विश्वास जो मुझे बुक्स पढ़ने की वजह से बना, वो था वो सारी स्किल्स जो मैंने बुक्स पढ़ने से हासिल की थी। मुझे मालूम था कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन भगवान एक ऐसा मौका जरूर देगा जहां पर ये सारे सपने पूरे होंगे, लेकिन वो सारी फजीहतें लगातार मैं झेल रहा था, और होता हुआ था अंत में आकर के मैं 2012 के आसपास की बात है, 2012 की, मैंने एजुकेशन में काम शुरू किया, ये देखिएगा, एंड अभी तक भी मतलब चीजें लगातार उसी तरह चल रही थी, और एजुकेशन में काम शुरू किया, लेकिन वहां हुआ क्या, मैं वहां तक पहुंचते पहुंचते अपनी सेहत खराब कर चुका था, इसे समझना, मतलब वो जो जिंदगी का स्ट्रगल फेस था ना, जब मैं संघर्ष कर रहा था, जब पैसे नहीं थे, मकान का किराया भर नहीं पा रहा था, बच्चों की फीस जाने रही थी, कोई काम बन नहीं रहा था जॉब छोड़ के आने के बावजूद, और लगातार मेरा विश्वास बना रहा कि कुछ तो जरूर होगा,
कुछ तो करूंगा लाइफ में ऐसा जो बहुत बड़ा काम बन के आएगा। तो ऐसे में मैंने मार्केटिंग के काम छोड़ करके फिर एजुकेशन में काम शुरू किया, क्योंकि पढ़ा लिखा अच्छा था काफी, तो चलो एजुकेशन में काम करते हैं। तो मैंने ट्रेनिंग कंपनी बनाई फिर 2012 में, जिसका नाम था हैप्पी लिविंग एकेडमी। इसके अंदर मेरे दो काम थे, मेमोरी वर्कशॉप करना। अच्छा खुद देखो, यहां मेरा वजन बढ़ रहा था ना सी लेकिन ये भी मतलब इससे भी और बुरी हालत मेरी हो चुकी थी, क्योंकि ये तो वजन कम करने के समय का फोटो है जब मैं वजन कम करना शुरू कर चुका था, गॉट माय पॉइंट। एंड तो इससे बुरी हालत मेरी हो चुकी थी। तो जब मैं एजुकेशन में काम कर रहा था तो मेरा वजन बढ़ रहा था, और यहां तक आते आते मेरी सेहत खराब हो चुकी थी, और मेरा वजन हो चुका था 94 किलो, 94 kg। अब सोच के देखिए, 94 किलो का वजन और जो मेरी हाइट है उसकी वजह से जो चैलेंज मुझे बन रहे थे, वो तो बाद में पता लगा करके जब हम हर्बल लाइफ में आ गए, जब इस कम्युनिटी में आ गए, कि खाना भी हम लोग पूरा नहीं खा रहे थे। हम खाना पेट भर के तो खा रहे थे, मैं 10 रोटी खाता था एंड परांठे 3-3, 4-4, समोसे, चाय, मतलब जो भी मिले सब लपेटते थे। लेकिन बाद में पता लगा कि वो भर भर पेट खाना खाने के बावजूद भी हमारे बॉडी को भर भर पोषण बहुत नहीं मिल रहा था, हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था, गॉट इट। तो ऊपर से वजन बढ़ रहा था, ऊपर से पोषण पूरा नहीं हो रहा था, जो खाना खा रहे थे वो गलत था। तो ऐसे में मुझे बहुत सारे इश्यूज मेरी सेहत के बनने शुरू हो गए, जैसे कि एनर्जी लो रहना, बच्चों को पढ़ाते हुए जब सामने खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है तो 3-3, 4-4 बैचेज मेरे चलते थे 45 मिनट्स के लगातार, एक बैच खत्म हुआ अगला बैच आएगा। तो सोच के देखिए, 4-4 घंटे लगातार खड़े रह करके बच्चों को पढ़ाना, 94 kg वजन पर, आप सोच के समझ सकते हैं कि कितना थकान होती होगी। मतलब पिंडलियां दर्द करती थी, एड़ियां दर्द करती थी, लगता था कि बैठ जाओ बीच में, एंड चाय मंगाते रहता था, चाय पीते रहता था, लगता था चाय पीने से एनर्जी आ जाएगी। तो मतलब इट वॉज समथिंग लाइक दैट। तो मतलब वजन बढ़ने की वजह से बहुत सारी समस्या आना शुरू होगी, खाना सही नहीं था तो बॉडी में एनर्जी नहीं थी, ऊपर से काफी सारे इश्यू बनने शुरू हो गए। तो मेरा वजन बढ़ गया, 94 kg वजन हो गया। अब मेरे दोस्त मित्रों को मैं कई बार अपने बारे में बोलता इस तरह से, और वो मुझे देख भी रहे थे, तो मेरे दोस्त मित्र भी कहते हैं, अपना वजन कम कर ले, तेरा वजन बहुत बढ़ रहा है। एंड जब मैं डॉक्टर्स के पास जाता, डॉक्टर्स के पास जाने से भी डॉक्टर्स दवाई देते थे वजन, मतलब सॉरी दर्द की, इन सब मामलों की दवाई देते थे, लेकिन उनके पास मतलब वो भी ये कहते थे बाद में आकर के, कि ज्ञानेंद्र तुम अपना वजन भी कम कर लो, नहीं तो आने वाले समय में आपकी समस्या और बढ़ेगी। तो सब लोग मुझे सलाह तो दे रहे थे वजन कम करने की, लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं दे रहा था, नोबडी वाज गिविंग सोल्यूशन। एंड जो भी मैं उल्टा सीधा कर रहा था उसकी वजह से वजन तो कम नहीं होता, उल्टे एनर्जी लेवल और घट जाते थे। और तभी मेरा परिचय हो गया हर्बल लाइफ कोच के साथ में। अब ताली कर सकते हैं हर्बल लाइफ कोच के लिए। एंड ये वो समय है जब मेरी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो गए, यानी कि आपके जीवन में कोई ना कोई एक इंसान या कोई ना कोई एक घटना या कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से उसके बाद में आपके लाइफ एकदम से यूटर्न मारती है, और आप जो करते हो ना वो एकदम डिफरेंट होता है, गॉट इट। मतलब जिस राह पे चल रहे होते हो ना, जहां गलत राह पे चल रहे होते हो वहां से यूटर्न मारते हो, और आप एक ऐसी राह पकड़ते हो जिस राह पे आपको सब कुछ मिलता है। तो जब हर्बल लाइफ कोच से मेरा परिचय हुआ तो पहली बार तो जिंदगी में समझ में आया कि खाने पीने को ठीक करने से सेहत को ठीक कर सकते हैं। अच्छा, क्या ये समझ आम जीवन में लोगों होती है क्या? बताइए, यदि इतनी समझ आम जीवन में लोगों होती तो फिर छोले भटूरे वाला फिर वहां क्यों खड़ा होता, फिर मोमोज टिक्की पकड़ वाला क्यों खड़ा होता, चाउमीन क्यों बिक्री होती, फिर कोल्ड ड्रिंक इतनी क्यों बिक्री होती? आम जीवन में आम इंसान को खाने पीने की समझ होती नहीं है, और ये मालूम भी नहीं होता कि खाने पीने को ही ठीक करने से अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं। मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि हमें खाना शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए खाना होता है, और मैं किस लिए खा रहा था, पेट भरने के लिए। तो ये जो सेंस है ना कि पेट भरने से लेकर अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करने तक की समझ, ये किसने दी? ये कोच ने दी, ये इस कम्युनिटी में आकर के मुझे मालूम पड़ी। और जब मैंने बदलाव किया मेरे खाने पीने में, अपने पोषण की जरूरतों को मैंने पूरा किया, तो पहले महीने के अंदर मैंने अपना 5 किलो वजन कम किया, आई लॉस्ट 5 kg पे, और 5-6 महीने लगे मैंने अपने बॉडी से टोटल 25 किलो वजन कम किया, 25 kg, अमेजिंग वेट लॉस। एंड अभी कुछ लोग मुझे देख के थोड़ा चकित हो रहे होंगे, बोला ज्ञानेंद्र आप तो ठीक ही लग रहे हो, कितने सुंदर स्मार्ट एकदम 20-22 साल के लड़के लग रहे हो, तो आपको क्यों वजन कम करना था? लेकिन मैं आपको दिखाता हूं मेरा वजन मुझे क्यों कम करने की जरूरत थी, तो आपको पता पड़ जाएगा। लेट अस लुक माय बिफोर फोटो। मैं पहला जब 94 kg का था मैं कैसा था, ये देखिए, ये चारों फोटो मेरे नहीं है भाई, ये लाल रंग का टाई का फोटो नहीं है, लाल टाई वाला, ये मैं हूं,
कई लोग सोते बोले चार आदमी आप हो गया, इन चारों में आपकी आत्मा थी क्या, ऐसा बोलते लोग नहीं, इसमें से लाल टाइम वाला फोटो जो है ना, इसमें मेरी आत्मा थी, मतलब ये मैं था, आई मीन टू से दैट, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं मैं कहां से कहां तक का सफर मैंने तय किया है। और ये देखिए मेरे चेहरे पर पहले कितना फैट था, अभी कोई फैट नहीं है, देखिए नो फैट इज देयर, ठीक है, कोई फैट चेहरे पे नहीं है। और मेरा पेट बहुत सारा भार होता था, और मेरी बेल्ट होती थी 42 इंच की, कितने इंच की, 42 इंच की बेल्ट होती थी, और पेट उसके बाहर होता था। आपको मालूम है छज्जा मकान के बाहर ही होता है, तो पेट बेल्ट के बाहर होता था, एंड 42 इंच की बेल्ट होती थी। अभी मेरे बेल्ट का साइज 32 इंच रहता है, 10 इंच मैंने बेल्ट से कम किया, और जो पेट है ना वो एकदम बेल्ट की सीध में आता है। पहले क्या होता था, जब पेट पे हाथ फेरते थे ना, नॉर्मल होता है पेट पे हाथ फेरते हैं ना, फिरते हैं पेट पे हाथ, जब पहले पेट पे हाथ फेरते ना ऐसा करके यहां से स्टार्ट करते थे ना, तो क्या होता था बीच में एक बड़ा पहाड़ सा बन जाया करता था, एक बड़ा कर होता था, तो हाथ को भी लगता था कि बहुत दूर चलना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी यहां से हाथ छोड़ते हैं ना तो सीधे नीचे गिर जाता है एकदम, मतलब जैसे मतलब उस पहाड़ को हटा दिया गया ऐसा करके, तो एकदम फ्लैट टम्मी और 32 इंच की मेरी कमर। एंड देखिए स्किन कितनी शानदार हो गई है ना, वजन तो कम हुआ, स्किन शानदार हो गई, और एनर्ज लेवल बढ़ गया, जो हेल्थ इश्यूज थे पहले वो सब खत्म हो गए, और मिलाकर के ऑल ओवर ये जो आप देख रहे हो बदलाव, ये बदलाव मैंने अपने कोच की लगातार निगरानी, अपने कोच की लगातार मदद की वजह से, लगातार कम्युनिटी में, क्लब में रहकर, सीखकर, ट्रेनिंग मीटिंग में रहकर के, ये सब मैंने किया है। तो मुझे उम्मीद है आप सब भी ऐसे कुछ बदलाव पाने के लिए उत्साहित हैं। क्या आप लोग ऐसे सेहत चाहते हैं? हेलो, एंड क्या वो लोग ऐसे में मेरी उम्र को लेकर बड़ा कंफ्यूज में रहते हैं, मतलब वो जो देख के फोटो लगता है ना बिफोर वाला, बोले जी अब तो वो कुछ 55 साल के से लग रहे हो देख करके, लेकिन अब तो आप लग रहे हो 20 साल के से, तो बोला आपकी रियल उम्र कितनी है। मैं आपको सच बताऊं, जब मेरा वजन 94 kg था ना, तो नॉर्मली मेरे दोस्त वगैरह मुझसे पूछते थे कई बार, बोले ज्ञानी तुम्हारी उम्र कितनी है, तो मैं मेरी उम्र बताता नहीं था, मैं झेपता था मतलब उम्र बताते हुए, और मैं उनसे पूछता था होता करके, बोले तुम्हें बताओ मेरी उम्र कितनी है, होता है कई बार, बोले तुम्हें बताओ मेरी उम्र कितनी है, ऐसे करके। तो वो जो मुझे उम्र बताते थे ना मेरी, वो लगभग 12 से 15 साल मुझे ज्यादा उम्र का बताते थे, 12 से 15 साल ज्यादा उम्र का, और मैं फिर क्या बोलता था, हाँ हाँ मेरी उम्र इतनी है। मैं उनको ये नहीं बोलता था, नहीं नहीं भाई मैं तो अभी बहुत यंग हूं, ऐसा करके हाँ मेरी उम्र इतनी है, मैं ऐसा बोल देता था। लेकिन अभी पता प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तब भी मेरे साथ थी और प्रॉब्लम आज भी मेरे साथ है। अभी आज क्या है, जो मेरी रियल उम्र है, अब लोग मैं पूछता हूँ बताओ मेरी उम्र कितनी है, तो लोग मुझे मेरी उम्र से 15 से 20 साल ज्यादा यंग बताते हैं, दिस अ चेंज, 15 से 20 साल यंग है ना। तो ये हर्बलाइफ में पॉसिबल है, ये हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के माध्यम से पॉसिबल है, ये लगातार जो हम लोग क्लब में रहते हैं, लगातार जो गाइडेंस मिलती है क्लब से, लगातार जो वर्कआउट करते हैं 20% पार्ट फिटनेस का, लगातार जो सीख रहे हैं खाने पीने के संबंध, इस सब का मिश्रण आकर के आपको ये बेहतर सेहत देता है। और मुझे खुशी है कि पिछले 8 वर्षों से लगातार मैं अपनी सेहत पे काम कर रहा हूं, और अभी भी पिक्चर जारी है, अभी पिक्चर फाइनल नहीं है, अभी पिक्चर जारी है। पिछले 8 वर्षों से मैं अपनी सेहत पे काम कर रहा हूं, मेरी पत्नी ने 14 किलो वजन कम किया, 2 बेटे हैं, उन्होंने बहुत शानदार सेहत पाई है, अच्छी हाइट, एकदम शानदार गुड पर्सनैलिटी। तो ये सब हर्बलिफ न्यूट्रिशन पोर्शन जो हमने इस्तेमाल किया, जो लगातार गाइडेंस मिली, लगातार सीखा, उसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। और ऐसे में आज मेरे पेरेंट्स, हम सब लोग मतलब अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए लगातार हम लोग काम करते हैं। अब आपके पास बोलना चाहूंगा यहाँ पर, हर्बलाइफ में यदि वाकई ही एक बड़ी सक्सेस आप पाना चाहते हो, यदि बड़ी कामयाबी आप देख रहे हो, तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो आपको अपनी सेहत पे करना है। सबसे बड़ा धन की जो कमाई करोगे ना, जो सबसे बड़ा धन आपके लिए होगा वो आपकी अपनी सेहत होगी, क्योंकि यहीं से रियल में आपकी शुरुआत होती है आपके बड़े काम करने की। यदि आपकी सेहत अच्छी नहीं है, यदि आपका वजन बराबर नहीं है, आपकी स्किन में इंप्रूवमेंट नहीं है, आपका एनर्जी लेवल बढ़िया नहीं है, तो बताइए जब आप लोगों से कहेंगे कि आप लोगों को सेहत देने का काम करते हैं, तो वो फिर क्या कहेंगे आपसे, बोला क्या आप खुद कुछ नहीं लेते, गॉट इट, क्या आप खुद अभी अपने पे काम नहीं करते, गॉट इट। तो हमें यहां पर क्या है, हमें सच बोलना होता है, हमें ईमानदार रहना होता है अपने काम के प्रति, और ये ईमानदारी दिखती है सामने से जब लोग हमें देखते हैं, गॉट इट। तो अपनी सेहत पे काम करना है। तो यहां पर जितने भी यहां पर हम लोग अभी ज्वाइन है, तो यदि हम कोच के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शुरुआत होगी आपके अच्छे परिणाम से, या आप किसी को भी एक कोच के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो शुरुआत होगी उसके अच्छे परिणाम से। लेकिन इसके बाद हुआ क्या, मेरे कोच लगातार मुझे बीच में बोलते रहते थे,
कि आप ट्रेनिंग चलो, आप ट्रेनिंग चलो। वैसे बीच में क्या होता था, वो ट्रेनिंग का चक्कर पता क्यों आता था? वो चक्कर इसलिए आता था कि जब मेरा वजन कम हो रहा था ना, तो लोग मुझे कोई बीमार बताता था, कोई बोलता शुगर चेक करा ले, कोई बोलता था कोई टेंशन तो तेरे को नहीं है, मैं बोलता था नहीं मैं वजन कम कर रहा हूँ, तो विश्वास नहीं करते थे वो। तो ऐसे में मैं मेरे कोच को कॉल लगाता था, उनको बोलता था कोच साहब सब ठीक तो है ना, मतलब लोग मुझे बीमार बता रहे हैं, कोई मुझे शुगर बोल रहा है, शुगर चेक कर ले। तो वो ये बोलते थे मेरे को कि देखो ऐसा है, आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? मैंने कहा मेरे को तो शानदार लग रहा है, बोला वजन तो बराबर कम हो रहा है ना? बोला हाँ हो रहा है, एनर्जी लेवल पहले से अच्छा है। और कोई बदलाव मिला आपको? कहा बहुत सारे बदलाव नोटिस कर रहा हूं मैं, मेरे जो पेन थे बॉडी में, ये दिक्कत थी वो दिक्कत थी, वो सब ठीक हो रहे हैं। तो कोच ये कहते थे यदि आपको अच्छा लग रहा है, आपको बेहतर परिणाम दिखा रहे हैं, तो आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो। लेकिन ऐसे में जो लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ट्रेनिंग में चलना चाहिए। और यदि आप ट्रेनिंग में चलोगे तो वहां आपको बहुत सारी बातें ऐसी और सीखने को मिलेंगी कि जो लोग आज आपको उल्टा ज्ञान दे रहे हैं ना, आप उनको भी एक सही सलाह देकर उनको भी अच्छी सेहत दे सकते हो। यानी कि आने वाले कल में यही लोग जो आज आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं या आपके ऊपर तंज कस रहे हैं, आपके बदलाव को देख करके उनको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो यही लोग भविष्य में आपके ग्राहक हो सकते हैं। तो बार बार मेरे कोच बोलते ज्ञानेंद्र तुम ट्रेनिंग चलो, तुम ट्रेनिंग चलो। लेकिन मैं हमेशा बोलता था कि मैं ट्रेनिंग नहीं जा पाऊंगा, मेरे पास ट्यूशन है, मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं। और इवन संडे को भी पढ़ाता था, संडे को भी छोड़ता नहीं था घर, एंड बच्चों के एग्जाम कुछ है, कोई कमजोर बच्चा है तो उनको बुला के मैं पढ़ाता था उनको संडे के दिन भी। मतलब मेरा एक नियम है, मैं खुद की जिंदगी तो खराब करूंगा, मैं अपने लोगों की जिंदगी खराब करता था, मतलब वो बच्चे कोई भी हो, मतलब संडे को भी बच्चों की छुट्टी होती नहीं थी, अपनी जिंदगी खराब कर रखी थी मैंने संडे को उस तरह से। और बच्चों को भी, मतलब आई मीन टू से दैट कि मैं कोई गलत काम करता वो नहीं, मतलब कहने का कि मैं सांस नहीं लेता था। गॉट इट? होता नहीं कि संडे का रिलैक्स होना चाहिए, तो संडे भी मेरा फिक्स था, मतलब कहने का। और मैं कोच को बोलता था कि मैं नहीं जा पाऊंगा ट्रेनिंग में क्योंकि मेरे ट्यूशन पढ़ते बच्चे और मुझे अच्छा परफॉर्म करना है बच्चों के अंदर और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लेकर आनी है। तो ऐसा होते होते करके, और बाद में 6 महीने के बाद में, जब मेरा वजन भी कम हो गया, जब मेरा वजन भी टोटल कम हो गया था, 6 महीने के अंदर वजन कम मेरा हो चुका, तो बार बार बोलते रहते थे। तो उन्होंने बोला कि एक बहुत शानदार ट्रेनिंग है, लुधियाना में होगी और वो ट्रेनिंग 2 दिन की है, आपने पिछले 6 महीने में कोई ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं की, लेकिन आप यदि इस ट्रेनिंग को अटेंड कर लो, 2 दिन की छुट्टी ले लो, तो आप इतना कुछ सीख कर सकते हो कि वाकई ही आप अपने पूरे परिवार को भी सेहत दे सकते हो, और इसके साथ साथ जिंदगी भर आपकी सेहत भी अच्छी रह सकती है और आप अपने सपने भी पूरे कर सकते हो। उन्होंने ऐसा बोला। तो जो चूंकि बार बार अब मेरे कोच की वजह से मुझे 25 किलो वजन कम मिला, गॉट इट, इतनी शानदार सेहत मुझे मिली, और कब से मुझे कह ही रहे थे, तो मैंने फिर क्या करा, मैं कहा चलो इस बार चलते हैं। और न जाने क्या, मतलब उस समय में था, मैं कहा चलो इस बार चलते हैं, और मैंने पर्पसली 2 दिन की बच्चों को छुट्टी करी। कुछ मेरा रश भी नहीं था उस टाइम पे, ऐसा कि वो रश होगा कि बच्चों का कोई एग्जाम वगैरह है, मैंने 2 दिन छुट्टी करी शनिवार की, और मैं 2 दिन के एक बहुत शानदार प्रोग्राम में गया, उसका नाम है वेलनेस कोच एकेडमी, जो कि लुधियाना में हुई थी, दैट वॉज लुधियाना। और इस एकेडमी में 2 दिन, अब देख रहे हो मेरा चेहरा क्या क्या फैट चेहरे पे है, क्या नहीं है ना, मेरा टोटल वजन कम हो चुका था उस टाइम पे जितना मुझे कम करना था। और इस 2 दिन के प्रोग्राम में जो मैंने कहानियां वहां सुनी, जो सफल लोगों को मैंने सुना, एंड ताली कर सकते हैं, वही मैंने कैप्टन चरणजीत सर को भी सुना, कैप्टन चरणजीत सर को, अनबिलीवेबल पर्सनैलिटी, और मैं उनसे कनेक्ट भी कर गया क्योंकि वो भी एयरफोर्स है ना, जानते हो, एंड मैं कहां से था, नहीं से था, तो मुझे लगा यार ये तो अपने से ही, मतलब बिल्कुल अपने लगते हैं भाई, यदि ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो ऐसा करके कहीं विश्वास हो रहा था तो कहीं विश्वास डगमगा रहा था। जब स्टेज को सुनते थे तो विश्वास होता था, और जब खुद को सुनते थे तो विश्वास डगमगा जाता था, लगता था कितनी मेहनत तो पहले भी करते थे, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, कितने कर्जे कर लिए, कितनी दिक्कतें होगी, कितना समस्या आएगी, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। तो ऐसा करके अंत में मैंने एक बात का फैसला करा, मैंने कहा ज्ञानेंद्र चल बड़ा कितना काम होगा कुछ पता नहीं, और ये पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, ये इतनी बड़ी इनकम आएगी नहीं पता नहीं, चल एक काम कर, तेरा ट्यूशन चलता है ना, मैंने कहा ट्यूशन चलता है, मैंने खुद से बोला, और ट्यूशन से मैं 40 से 50 हजार महीने की इनकम लगातार कर रहा था उस टाइम पर। लेकिन मैं कहा चल ज्ञान काम कर, सुबह के टाइम पे कोई काम तो तेरे पास है नहीं, मैं कहीं किसी स्कूल में टीचर नहीं होता था, आई वॉज इंडिपेंडेंट, शाम को ट्यूशन होते थे, बोला तू कहीं टीचर तो है नहीं, सुबह के टाइम खाली है, तू कहीं काम करे, वही लोग जो तेरे को बीमार परेशान बता रहे थे और कुछ और लोगों को चुन करके, यदि उन लोगों को सेहत देने के लिए थोड़ी सलाह दी जाए,
उनको भी सिखाया जा सेहत कैसा आ सकती है, तो हो सकता है 15,000 से 20,000 की इनकम महीने का सकती है। मैंने क्या किया कि चलो पार्ट टाइम में जो सुबह का टाइम मिलता है उसमें 15-20 हजार की भी इनकम आ जाएगी पार्ट टाइम में, तो भी काफी है। मतलब जहां 40-50 आ रहे थे अब बोला 60-70 आने शुरू हो जाएंगे, तो जो जीवन है वो थोड़ा और आसान हो जाएगा, जो कर्जे पटाने हैं वो थोड़ा और आसानी से पड़ जाएंगे, जो जरूरतें पूरी नहीं हो पाती वो थोड़ा और ठीक से, मतलब कुछ भी काम हो वो थोड़ा और ठीक से हो जाएगा। इस विचार को लेकर के मैंने पार्ट टाइम में लोगों की मदद करने का फैसला किया आफ्टर अटेंडिंग दिस वेलनेस कोच अकेडमी। और मैं बात बोलना चाहूंगा, आप सोच के देखो, यदि मैं वेलनेस कोच अकेडमी, वो कोई भी ट्रेनिंग हो, नॉट ओनली वेलनेस कोच अकेडमी, कोई भी ट्रेनिंग हो, जिस ट्रेनिंग में पहुंच जाते हो ना, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है, और जो आप मिस कर देते हो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है जो मिस कर देते हो। नहीं कौन सी ट्रेनिंग में कौन क्या सिखा के जाएगा आपको पता ही नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको कहां फोकस डालना चाहता हूं, यदि वेलनेस कोच एकेडमी 2 दिन के प्रोग्राम में मैं नहीं गया होता, आप सोच के देखो, तो क्या मैं आज आपके सामने होता, क्या मैं फैसला कर पाता कि मुझे भी पार्ट टाइम में लोगों की मदद करनी चाहिए, क्या मैं सोच पाता कि 15-20 हजार रुपए एक्सटेंड का मैं भी कर सकता हूं जब लोग इतना बड़ा बड़ा पैसा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं होता ना, यानी कि हमें अपने घर से बाहर निकल के, वैसे आजकल तो अच्छा जूम पे भी देखो कितने लोग बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए, ऑफिस बैठे हुए, कितनी शानदार ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन हमारे टाइम में क्या था, हमें घर से बाहर निकलना पड़ता था। ठीक है, अपने घर में रहते हुए हम किन से मिलेंगे, उन्ही लोगों से जिनसे लगातार मिलते रहते हैं, और ऊपर से झगड़ा होता था उन लोगों से, घर में जिनसे मिलते रहते हैं उनसे झगड़ा होता रहता है। अच्छा ऑफिस में गए तो किन से मिलेंगे, उन्हीं से जिनकी शक्ल देखना पसंद नहीं है। आयुर्वेदिक में तो मतलब कहने का ये है कि हमें घर से बाहर निकलना होता है, एक अलग दुनिया में जाके देखना पड़ता है कि लोग क्या कर रहे हैं। बात समझ रहे, लोग इतनी अच्छी सेहत पा रहे हैं तो इसके अलावा कुछ और भी संभावना है क्या, अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कितनी सारी चीजें जो सीखना जरूरी है वो कहां से सीखोगे बताओ, कौन सा स्कूल पढ़ोगे आप जहां आप अपने जीवन को बेहतर करने के बारे में कुछ और सीख क्या होगे, और ऐसा कोई स्कूल है भी नहीं बाय द वे। लेकिन हर्बल लाइफ ट्रेनिंग्स वो जरिया है जहां पर आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, क्या आप मानते हो, हेलो, हर्बल लाइफ ट्रेनिंग में आने से आत्मविश्वास बढ़ जाता है, यहां आने से सब बड़े। तो इस तरह से है, और मैं इस प्रोग्राम के बाद में जब वापस घर पे आया तो मैंने उन सभी लोगों को, मेरा नेटवर्क ठीक है विजय भाई, आवाज तो ठीक आ रही मेरी, थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस होती है थोड़ा सा हल्का सा। अच्छा अभी डिस्टर्बेंस हो रही है, अभी अभी ओके है, बीच में हुई थी। अच्छा, बीच में हुई थी, वैसे बीच में लगातार आवाज तो ठीक आ रही थी, मतलब ज्यादातर ठीक है बिल्कुल, जब कुछ होगी तो मैं बता दूंगा आपको। हाँ मैं नेटवर्क फिर चेंज कर लूंगा, देखूंगा ट्राई करके कुछ हो ना, चलिए क्योंकि बाहर हूं इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अब ऐसा करके मैं वापस जब घर पे आया तो मैंने उन सब लोगों को बुलाया जो मुझे बीमार प्रश्न बता रहे थे, मैंने कुछ और लोग बुलाया जिनको मैं सेहत देना चाहता था, और पहले महीने के अंदर ही मैंने लगभग 70 लोगों को चेकअप किया। पहले उस तरह से ही लोग काम करते थे, मालूम आपको, आजकल तो क्लब में कितना शानदार मतलब तरीके से लोग इनवाइट करके क्लब में लोग ग्राहक बन जाते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि हमें फिजिकली चेकअप करना होता था, अपने पास बुला के उनके पास जाकर के। मैंने 70-72 लोगों को फिजिकली चेकअप करके उनको समझाया कि आपकी सेहत कैसे बेहतर हो सकती है, हम आपकी सेहत को बेहतर कैसे कर सकते हैं, और उनको न्यूट्रिशन यूज करके भी दिखाया, अपना परिणाम उनको समझाया, एंड कुछ लोग जानते थे कुछ लोग जानते नहीं थे तो उस तरह से, एंड इसके अलावा मिला करके पहले महीने के अंदर लगभग 20-22 ग्राहक मेरे एक महीने के अंदर थे, 20-22 कस्टमर एक महीने के अंदर। गॉट इट? तो ये सब क्यों हुआ, क्योंकि मैं ट्रेनिंग अटेंड करके आया, मैं फिर कनेक्ट करूंगा, ट्रेनिंग अटेंड करके आया, मेरे कोच की वजह से मुझे सेहत मिली, बट मेरे कोच की वजह से ही जो ट्रेनिंग मुझे मिली उस ट्रेनिंग की वजह से मुझे जिंदगी मिली है। बात समझ रहे हो, कोच की वजह से मुझे ट्रेनिंग मिली और ट्रेनिंग की वजह से मुझे आज ही जिंदगी मिली है, यानी कि जिंदगी में जो बड़े बदलाव होने हैं, नो डाउट कोच माध्यम जरूर रहेगा, पर जिंदगी बदलने में जो सबसे बड़ी मेहनत तो कौन करेगा बताओ, हेलो, सबसे बड़ी मेहनत तो हमें खुद ही करनी होती है ना। अच्छा आपके लिए कोई भोजन खा सकता है क्या, आपके लिए कोई सो सकता है क्या, यदि आपको 6 पैक्स लाने हैं आपके लिए कोई वर्कआउट कर सकता है क्या? नो भाई, हम लोग क्यों कंफ्यूज है, कोच माध्यम हो सकता है लेकिन मेहनत जो करनी होगी वो खुद को करनी होती है। वी ऑलवेज गिव द क्रेडिट टू समवन,
दैट्स ओके। जैसे कि मैं मेरे सक्सेस का क्रेडिट किसको देता हूं, मेरे कोच को। लेकिन वो जो मेहनत है ना, वो मेहनत तो खुद करनी होती है। वो 20-22 ग्राहक किसने बनाए? वो 20-22 ग्राहक मेरे कोच ने शुरुआत में मुझे मदद की, लेकिन बाद में तो चेकअप मैंने किया ना, बाद में तो काउंसलिंग मैंने की ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपनी दुनिया खुद बनानी होती है, अपनी राह खुद चलनी होती है। कोई गाइड करने के लिए है, दैट्स एनफ। भोजन तो थाली में रखा है, आपको खुद ही खाना पड़ेगा, अपने हिस्से का शेक आपको खुद ही पीना पड़ेगा। यदि सेहत आपको चाहिए तो शेक आपको पीना पड़ेगा, दैट्स इट। तो ऐसा करके 20-22 ग्राहक बने, कैश में इनकम हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगले महीने जब उन लोगों ने मुझसे न्यूट्रिशन मांगा तो मैंने बोला कि मैं आपको दे नहीं सकता। बोला क्यों? चूंकि हम सेल्समैन नहीं है। बोला मैं कोच हूं, हम लोग कोच होते हैं, हम सेल्समैन नहीं होते। तो अगले महीने उन लोगों को न्यूट्रिशन मैंने ऑर्डर करवाया और पहले महीने का जो मेरा चेक था, दैट वॉज 24,000 रुपीज फ्रॉम हबलाइफ न्यूट्रिशन। यानी कि एक महीने के अंदर जो मेरी टोटल इनकम थी विद इन वन मंथ, दैट गोज 40,000। जितने पैसे मैं कमा रहा था अपने एजुकेशन में काम करने से, उतने पैसे मुझे आ रहे थे किससे? हबलाइफ न्यूट्रिशन से, कैश और चेक इनकम के माध्यम से। और उसके बाद मैंने कसम खा ली कि अब मैं रुकूंगा नहीं, मैंने कसम खा ली अब मैं सीखने से बचूंगा नहीं। और वेलनेस कोच एकेडमी के अंदर भी कैप्टन चरण सर ने और हर एक स्पीकर ने एक बात कही थी, यदि आप भी ऐसी कामयाबी चाहते हो तो इसके लिए आपको खुद को सीखने के लायक बनाना होगा, आपको खुद को सिखाना होगा, खुद को बदलाव करना होगा। जैसे आप आज हो उससे आपको जो तरक्की मिलनी थी मिल चुकी, लेकिन आप जिस लेवल की तरक्की पाना चाहते हो, जो सक्सेस पाना चाहते हो, उसके लिए आपको आज से ही एक नई नींव रखनी पड़ेगी, आपको एक नया बदलाव अपने अंदर लाना पड़ेगा। तो मुझे बात याद आ रही थी बार बार, और जब मुझे इनकम भी हुई, मुझे फायदे मिल रहे थे, मेरा वजन कम हो चुका था, लोगों को परिणाम मिल रहे थे, तो मैंने बोला कि मैं अब इसको सीखूंगा। और सीखने के लिए फिर मैं हर जगह, जहां भी हो सकता था, जहां भी ट्रेनिंग थी, मैं हर जगह गया। आई वेंट टू एक्स्ट्रावेगेंजा, यू नो एक्स्ट्रावेगेंजा, इस बार लोग गए थे 22,000 लोग, 22,000 एक छत के नीचे, कितना जबरदस्त बॉन्डर था मतलब कहने का। और मेरा पहला एक्स्ट्रावेगेंजा था 2015 में, 2015 में, आई वॉज सो मच एक्साइटेड। और ये देखिए, मैं तो स्टेज पर नहीं खड़ा हूं भाई, यहां पर मैं सबसे पीछे खड़ा हूं। स्टेज तो वहां देखो, उधर जहां रोशनी है उधर स्टेज है, मतलब यहां से उधर स्पीकर दिखता नहीं था, हम खाली टीवी में प्रोग्राम देख करके आए लगातार 3 दिन। और इस एक्स्ट्रावेगेंजा में जाने से मुझे एक बात समझ में आ गई, सीट तो हमको मिली नहीं वहां, 3 दिन लगातार हमें सीट नहीं मिली, हम नीचे बैठ के खड़े होकर के आज पता नहीं किस किस तरह की ट्रेनिंग उन्होंने ली। पर एक बात समझ में आ गई थी कि इस कंपनी में यदि अपनी सीट रिजर्व करके बैठना है, यदि इस कंपनी में आपकी सीट कोई और नहीं बैठे उस पर, वो आपके लिए रिजर्व हो, तो इसके लिए प्रेजेंटिंग मेंबर बनना पड़ेगा। ये बात पहले एक्स्ट्रावेगेंजा में समझ में आ गई थी। वैसे ये बात कुछ लोगों को थोड़ा लेट समझ में आती है, हमें पहले में आ गई थी। और इस प्रोग्राम में मैं खुद आशुतोष मिश्रा जी, ताली कर सकते हैं आशुतोष जी के लिए, आशुतोष जी वर्क विद में, और हम दोनों बात कर रहे थे। मैंने कहा आशुतोष जी, वाकई इस कंपनी में यदि आगे बैठना है ना, और अपने को सीट बुक चाहिए, अपने को नीचे बैठने से यदि हटना है, तो इसमें प्रेस्टी मन के आना पड़ेगा अपने को। और वहां पर एक अच्छी बात दी, वहां फॉर्मूला दिया गया, बोला 5 एक्स्ट्रावेगेंजा यदि आप इसी तरह आ सकते हो तो आप हर बल्ले में प्रेस्टी बन सकते हो। मैं कहा डील बहुत अच्छी है, एक बार तो आ चुके और 4 और बचे, आपको बता जाऊंगा आगे चल के कितने सालों में प्रेस्टी बन चुका था, आपको बताऊंगा आगे चल के भी। और मैं एक्स्ट्रावेगेंजा गया, बहुत कुछ सीखा। एंड स्पेक्टिकुलर, इन इवेंटों में बैठने तक की भी जगह नहीं मिलती थी, जिन इवेंटों में बैठने को भी नहीं होता था, बोलते थे यहां तुम नहीं बैठ सकते, वहां तुम नहीं बैठ सकते, ये ट्रेनिंग तुमने क्वालिफाई नहीं की है, ये मतलब इतने सारे नाटक होते थे। और उन्हीं ट्रेनिंगों में एक दिन मुझे मंच मिला, आई वॉज ऑन द स्टेज इन स्पेक्टेकुलर इन त्यागराज स्टेडियम दिल्ली, एंड मेरे सामने लगभग 10,000 से अधिक एसोसिएट्स मौजूद थे। और मुझे खुशी आपको बताते हुए मालूम है मेरा उस टाइम क्या सम्मान मुझे मिला, इसी मंच पर मुझे ब्रांड न्यू एग्जीक्यूटिव प्रेजेंटिंग मेंबर बनने का सम्मान मिला, केवल 4 साल के अंदर, विद इन 4 ईयर्स। अच्छा, वहां क्या कहा था पहले एक्स्ट्रावेगेंजा में, 5 बार आना पड़ेगा। आपको मालूम है 5वें एक्स्ट्रावेगेंजा में तो मैं खुद आशुतोष जी, सुनील शर्मा जी, हम सारे प्रेस्टी मन के बैठे हुए थे। गुड माई पॉइंट, तो कितना जबरदस्त रहा। तो इस तरह से ये सारी चीजें मतलब बनी, और वाकई बहुत शानदार मतलब हुआ।
और अभी आप ताली कर सकते हैं अपने लीडरशिप के लिए एक बार जोरदार ताली विजय सिंघल जी के लिए। एंड उन्होंने अपनी राह अब जिस तरह उठाई है, अब जिस तरह से पूरी लीडरशिप को एक साथ लेकर के चले हैं, मुझे उम्मीद है अब बहुत जल्द ही उनके भी एग्जीक्यूटिव 15K 20K, अब विजय भाई रुकना नहीं है ना, अब टीम में लोगों को मतलब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, जो वर्ल्ड टीम एक्टिव वर्ल्ड टीम उसे गेट टीम तक लेके जाना है, जो गेट टीम है उसको मिलेनियर टीम तक लेके जाना है, जो मिलेनियर टीम मेंबर है उसको मिल्स एंड फाइव तक लेके जाना है, प्रेस्टीम तक लेके जाना है। यदि हम लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ते हैं तो तरक्की हर किसी की लाजमी है, एवरीबॉडी विल गेट सक्सेस, ठीक है। और ऐसा होते होते जो मेरी इनकम थी लगातार बढ़ रही थी, मैं बताना चाहूंगा ये जो एक्स्ट्रावेगेंस था ना, जो एक्स्ट्रावेगेंस आया, पता मेरा चेक कितना, जुलाई 2015 में, जनवरी 15 का चेक था 24,000 रुपीज और जुलाई 15 का चेक था 1,00,000 रुपया। मात्र 6 महीने के अंदर इनकम 1,00,000 से पार जा चुकी थी। और ऐसा करके ये होते होते जब मैं प्रेस्टी मेंबर बन गया, उसके बाद जो मेरी चेक इनकम थी 1 महीने की 10,00,000 रुपए से ऊपर, एक ही महीने का चेक था मेरा 12,43,000 एंड समथिंग रुपीज, एक ही महीने का चेक केवल 4 साल के अंदर। आप सोचिए विद इन 4 ईयर्स, 20 अक्टूबर को मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और जो मेरा पेआउट था ना 10,00,000 रुपए का, वो नवंबर 2018 का था, नवंबर 2018 का, 4 साल के अंदर पेआउट 10,00,000 के पार जा चुका। मैं आपको बताना चाहूंगा वैसे इस चेक के बारे में, जो 10,00,000 का चेक आया था उसके पहले जो चेक आते थे ना विजय भाई मेरे, वो कुछ 8,00,000 के, 8.5 लाख के इस तरह चेक आते थे मेरे को, है ना। और आई वॉज एक्सपेक्टिंग की चेक वो 8-9 लाख का लगभग ही आएगा, मुझे ऐसा लग रहा था। और आपको मुझे मालूम, आपको तो मालूम ही है कि कितने सारे कर्जे, ये वो देनदारियां, कितने सारे फर्जी जिंदगी में थी, तो हमेशा कुछ ना कुछ काम बढ़ जाता था, मतलब अब उसके पैसे देने, उसके पैसे देने, बहुत सारे मतलब मैंने फर्जियतें पाल रखी थी। तो मैं और ये सभी देखते हैं, नॉट ओनली मैं चेक देखता हूँ, आप में सब चेक देखते होंगे, 9 तारीख को, 9 तारीख को, है ना, 9-10 तारीख को चेक अपडेट होता है, तो सब चेक देखते हैं। तो क्या हुआ, अब मैं लैपटॉप खोला अपना और मैं चेक देखता हूँ कितने का आएगा। तो मैं क्या देखता था चेक पे, मैं शुरू का डिजिट देखता था कितना आया है, लास्ट का डिजिट, शुरू में 7 लिखा है 8 लिखा है, 7 लिखा तो 7,00,000 के पार है, 8 लिखा तो 8,00,000 के पार है, बाकी का अमाउंट जो भी है वो तो ठीक है ऐसा करके। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 9 लिखाएगा, आप समझ रहे हो यार, काम तो खूब किया आपने, इस बार 9 लिखाएगा, लेकिन शुरू में 1 लिखाया क्योंकि 12,00,000 का चेक था और मेरी हवा खराब, मेरे ये क्या हो गया। आई वॉज थिंकिंग कि वो चेक मेरा मात्र 1,25,000 रुपए का है, मतलब कुछ देर तक तो मुझे होश नहीं आया, मैंने कहा काम तो बहुत ठीक किया हम लोगों ने, ऐसा कैसे हो गया। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा एक बार इसको गिन के देखता हूं। तो मैंने दाहिनी तरफ से क्या करा, इकाई दाई ऐसा कर क्या, बाय गॉड ये तो 12,00,000 का चेक, इट वॉज अनबिलीवेबल। तो सोचिए मतलब किस तरह से सक्सेस आती है, किस तरह से, ये एकमात्र ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपको सेहत तो मिलेगी मिलेगी, हेलो सेहत तो आपको मिलेगी मिलेगी, लेकिन जो सक्सेस आपको मिलेगी ना उसका आप भी भरोसा नहीं कर पाओगे। एंड नवंबर 2018 के बाद में मुझे कभी भी 10,00,000 से कम का चेक नहीं आया। अब देख लो कितना हो गया, नवंबर 18 से लेकर के अब तो नवंबर 22 मतलब हो गया है, इट्स अमेजिंग। तो कितना शानदार है, तो इस तरह बड़ा शानदार जा रहा है। और मैं आपको क्या बताऊं, देखिए कुछ और देखते हैं, जॉन एवरोबी सर से मिलने का मौका मिला वर्चुअली लॉकडाउन के दौरान, है ना, कितना शानदार रहा। चलो इसके पहले की बात बोलता हूं, आपको लॉकडाउन जो शुरू हुआ आप जानना चाहोगे, वैसे अभी जो मुझे रेगुलर चेक आते हैं महीने के वो लगभग 24,00,000 23,00,000 25,00,000 ऐसा मतलब हर महीने चेक मुझे आते हैं, लेकिन जो मेरा सबसे बड़ा चेक मुझे आया पता कितना है, वो था मार्च 2020। वो महीना पूरी दुनिया को याद रहेगा, आपको मालूम है क्यों, क्योंकि उस महीने लॉकडाउन लगा था ना, एंड दुनिया थम गई थी चारों तरफ, एंड लोग सोच रहे थे कि अब क्या होगा, गॉट इट, एंड सब लोग अंधेरे में थे, दिल्ली की जाम सड़कों पे गीदड़ घूम रहे थे, एंड लोगों को पता नहीं पड़ा था कि होगा क्या दुनिया में, अब कैसे दुनिया बचेगी, लगता था कुछ मतलब बड़ी समस्या आने वाली है। उसी महीने मार्च 2020 में जब लोगों को अपना जीवन अंधकार में नजर आ रहा था, उस महीने मैंने मार्क्यूज बोनस क्वालिफाई किया। अजय खन्ना सर का फोन आया, गार्डन अजय खन्ना सर का फोन आया, कंट्री हेयर ऑफ इंडिया, उनका बोला ज्ञानेंद्र, बोला ज्ञानेंद्र बोल, मेरे पास नंबर सेव नहीं था सर का, बोले ज्ञानेंद्र बोल रहे हो, मैं कहा सर ज्ञानेंद्र बोल रहा हूँ, तो बोले मैं अजय खन्ना बोल रहा हूँ, ऐसे बोले अजय खन्ना बोल रहा हूँ, मैं कहा सर आपका फोन। बोले कंग्रेचुलेशन आपने मार्क्यूज बोनस क्वालिफाई किया,
इट वॉज अमेजिंग। और मार्च 2020 का एक ही महीने का चेक था 45 लाख रुपए। मतलब दुनिया को वो महीना किसी और तरीके से याद रहेगा, पर मुझे वो महीना एक ही महीने का 45 लाख का चेक पहली बार मुझे खाते में एक महीने में आया, ये मुझे याद रहेगा। और फिर हर साल इस तरह से मैंने अगले साल भी क्वालिफाई किया मार्केट बोनस, तो मेरा 49 लाख का चेक था। एंड मैंने 2022 में क्वालिफाई किया मार्च में, 57 लाख का एक महीने का चेक था। इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। तो क्या लग रहा है आपको, क्या मैं पैसे कमाने आया था? मैं ये पैसे कमाने नहीं आया था। मैं क्या कमाने आया था? मैं तो सेहत कमाने आया था। और इसी वजह से बोल रहा हूं आपको, सेहत आपके जीवन की खुशियों का आधार है। आप सोच के देखो, एक इंसान के पास भरपूर पैसा है, उसने खूब मेहनत की, पैसा कमाया, लेकिन सेहत खो दी, अब क्या उस इंसान को खुशियां मिलेंगी? क्या क्या कोई धन दौलत दुनिया की उसे खुशियां दे सकता है क्या? आंसर नो। लेकिन यदि आपके पास सेहत है, भले पैसा थोड़ा कम भी हो, तो भी आप अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। लेकिन हर्बलाइफ एकमात्र ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपको सेहत, आपको तरक्की, पैसा, सपने, सम्मान, पहचान और सबसे बड़ी बात एक संतुष्टि कि हम दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं। ये जो तरक्की मुझे मिल रही है, जो तरक्की आज सिंगल साहब को मिल रही है, विजय भाई को मिल रही है, ये तरक्की किस रास्ते होकर जा रही है, इसे सोचिए। वो कौन सा रास्ता है जिस रास्ते हम चल के वहां तक पहुंच रहे हैं? वो रास्ता है लोगों को सेहत देने का, वो रास्ता है लोगों को कोच करने का, उनके जीवन को बेहतर करने का। और जब लोगों के जीवन को बेहतर करते हैं तो हमारा जीवन अपना बेहतर हो रहा है, और ये जबरदस्त है, इज अनबिलेबल। मैं यहां पर एक बात बोलूंगा आपको, यदि आपने इरादा बना लिया है अपने जीवन को बेहतर करने का, तो आप रुकिए मत। आपने यदि इरादा बना लिया है कि आपको तरक्की हासिल करनी है, तो हमेशा आगे बढ़ते रहिए, हमेशा लोगों की मदद करते रहिए। जॉन एनोबी सर से लॉकडाउन के दौरान मिलने का मौका मिला, बिकॉज हमें अमेरिका जाना था, लेकिन हमारा लॉकडाउन लग गया तो हम वहां नहीं जा सके। तो जॉन एनोबी सर ने हमें सम्मान दिया हबलिक में ऑफिस से इन लॉस एंजल्स, और हम अपने घर में थे। कितना जबरदस्त लगा घर पे सम्मान पाते हुए, उनके संग फोटो अपॉर्चुनिटी करने का मौका मिला उनके ऑफिस में, और किस तरह से जिंदगी जबरदस्त हुई। मैंने शुरुआत की थी स्कूटी पर काम करने की इन 2014, हम चार हमारी एक, दैट वाज माय लाइफ। एंड फिर मैंने एक्सयूवी कार खरीदी 2017 में हबलेट की इनकम से, मेहनत करके। एंड ये सब हुआ मेहनत करने की वजह से, ये सब हुआ सीखने की वजह से। ये हमारे लिए हवाई जहाज खरीदने से कम नहीं था। और इसके बाद में मैंने मेरी वाइफ को होंडा सिटी कार गिफ्ट में दी, इट्स अनबिलेबल। और उसी समय पर हम चाहते तो बड़ी गाड़ी लेते, लेकिन हमारे पास किराए का मकान था, हम किराए पे रहते थे। आपको मालूम है कि हम अपना रेंट भर नहीं पाते थे, एक दिन वो था। लेकिन ऐसे में यदि बड़ी गाड़ी पहले ले लेते तो लोग क्या बोलते, पता नहीं बेवकूफ आदमी है, उधर किराए का मकान है और गाड़ी बड़ी ले ली, है कि नहीं है? तो पहले क्या करा हमने, अपना घर बनाया। एंड उसी कॉलोनी में जिसमें 15 सालों में मैंने 12 मकान किराए के बदले, कितने मकान, 12 मकान उसी कॉलोनी में, एक ही कॉलोनी के अंदर 12 मकान रेंट के 15 सालों में चेंज किए। आज उसी कॉलोनी के अंदर हमने अपने सपनों का घर नहीं, सपनों का महल सजाया है, सपनों का महल गार्डन, कितना शानदार, अनबिलेबल। गांव में जो पैतृक मकान है वो बहुत पुराना था, 70 साल उसको हो चुके थे, एंड उसकी कड़ियां गिर रही थी, जीना टूट रहा था, मतलब बहुत चैलेंज था उसका। अब गांव में भी 7500 स्क्वायर फीट का एक ही फ्लोर का लेंटर है, 7500 स्क्वायर फीट का एक ही फ्लोर का लेंटर है, बहुत शानदार मकान गांव बना रहे, वो भी महल से कम नहीं है, मतलब 7500 स्क्वायर फीट एक ही फ्लोर का लेंटर है, सोचिए 1 बीघे का प्लॉट साइज है, इट्स अनबिलेबल। ये सब क्यों हुआ? ये सब हुआ लोगों की मदद करने की वजह से, ये सब हुआ अपनी सेहत को ठीक करने की वजह से। और अभी वैसे मैंने फोटो लगा नहीं पाया हूं, अभी दीपावली पर वी बॉट ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर, अनबिलीवेबल कार। मतलब देखिए कितना जबरदस्त मजा आ रहा है ना लाइफ के अंदर, तो ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर भी परचेज्ड, एंड कितना मजा आ रहा है उसको। और पेट्रोल में तो अनबिलीवेबल है, आई बॉट इन पेट्रोल, है ना, फॉर्च्यूनर इन पेट्रोल, सोच के देखिए फॉर्च्यूनर इन पेट्रोल, उसका मतलब एवरेज भी 6-7 का ही एवरेज है, समझिए। और कितना मजा उसको चलाते आ रहा है, इट्स अनबिलीवेबल।
तो इस तरह से है। एंड गोवा घूमने के लिए गए, मतलब मजा वेकेशन तो जिंदगी का यहाँ हिस्सा है। बैंकॉक घूमने गए और सबसे अधिक मजा मुझे पता कब आया, मलेशिया में, जहां पर एफपीटीआर के दौरान स्टेज पर वहां पर ब्रांड न्यू मिल 7.00 बनने की वजह से हमें सम्मान मिला। और वहां पर स्टेज पर जब नाम लिया गया ना, तो पता क्या बोला, वेलकम ऑन द स्टेज ब्रांड न्यू मिल 7.00 ज्ञानेंद्र सिंह एंड सुमन देवी फ्रॉम इंडिया। हिंदुस्तान का नाम जब गूंज रहा था ना 7,000 लोगों के बीच में, सोच के देखो आपके साथ भी ऐसा होने वाला है। ये सब कहानी क्यों सुना रहा हूं आपको, ये सब क्यों कर रहा हूं आपको मालूम है? आपने वो मूवी देखी है 3 इडियट्स, जब वो फरहान अकुन जिसका दुर्घटना होती है एंड वो बेड पे होता है ना, तो बोलते हैं बोला तुम ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल ऑल इज वेल। तो मैं ऐसा काम कर रहा हूं, मतलब मैं आपको ये बोलूं कि मेरे साथ हो चुका है, तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। गॉट इट? ये सबके साथ हो सकता है, एवरीबॉडी कैन डू दिस। जो सेहत मुझे मिली है वो आपको मिल सकती है, जो खुशी मेरी जिंदगी में वो आपको मिल सकती है, जो तरक्की मैंने पाई वो आपको आ सकती है। बस क्या करना होगा, जो मैंने पिछले 8 साल में किया, मैंने क्या किया, मैंने लोगों की मदद की, मैंने लोगों को सिखाया, पूरी टीम को साथ लेकर के आगे बढ़े। और ये सब आप भी करेंगे तो आप भी इस तरह से तरक्की पा सकते हैं। हम सब मिलकर के बहुत बड़ा कर सकते हैं। आज जिंदगी सेलिब्रिटी की तरह से लोग जी रहे हैं, अनबिलीवेबल लाइफ है। फिजिकल इवेंट्स के अंदर तो ऑटोग्राफ फोटोग्राफ लगता है, मतलब जैसे कौन सी दुनिया के हम सेलिब्रिटी हैं, है ना। अपनी फीलिंग विराट कोहली और रोनाल्डो से कम आती नहीं है जब लोग इवेंट के अंदर होते हैं। गॉट इट? तो इस तरह से है। और इस सभी के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे कोच प्रशांत चौधरी जी का। थैंकफुल टू प्रशांत चौधरी, बिकॉज उनकी वजह से मुझे हबलेट मिली, उनकी वजह से मुझे सेहत का रास्ता मिला, उनकी वजह से ही मुझे ट्रेनिंगों के रास्ते देखने को मिले। मैं ट्रेनिंगों में इनकी वजह से जा पाया, बिकॉज इन्होंने मुझे बताया कि आप ट्रेनिंग जाओगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यही मुझे कहते रहते थे, बोला आप ट्रेनिंग चलो ट्रेनिंग चलो, लेकिन मैं जाता नहीं था, ठीक है। लेकिन इनकी वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। एंड शुक्रिया अदा करता हूं हर दिन जब भी मैं सुबह उठता हूं अपने कोच का, मैं शुक्रिया अदा करता हूं मार्क्यू सर का, बिकॉज उनकी वजह से आज हम लोग इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का हिस्सा है। एंड आज हबलिफ न्यूट्रिशन कितना शानदार खाना हम लोग खाते हैं। आई थैंकफुल टू गॉड, थैंकफुल टू पेरेंट्स, हर किसी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम लोग ताली करेंगे अपने मेंटोर कैप्टन जरंजी सर के लिए, जिनकी वजह से आज हम लोग सीख सीख करके यहाँ तक पहुंचे। बहुत कुछ सिखाया हमें कैप्टन जरंजी सर ने। एंड थैंकफुल टू गॉड, थैंकफुल टू हबलिफ फॉर चेंजिंग माई लाइफ, थैंकफुल टू माई फैमिली, माई वाइफ, माई पेरेंट्स। मैं मेरे बच्चों का, मेरे माता पिता का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिकॉज उनकी वजह से मैं लगातार बना रहा। एक बार ध्यान रखना, आपको रास्ते में कठिनाई मिलेंगी, आपका रास्ता अड़चनों भरा होगा, आपको ग्राहक नहीं मिलेंगे, आपको ग्राहक छोड़ के जाएंगे, ये सब कुछ चलता रहेगा, ट्रेनिंग में जाने का मन नहीं करेगा। लेकिन एक चीज ऐसी है जो आपको लगातार बना के रखेगी, वो पता क्या है, वो है आपका परिवार, वो है आपका भाई। यदि आप अपने परिवार के लिए बाकी कुछ करना चाहते हो इस जन्म में, यदि अपने बच्चों को एक बेहतर जीवन तक पहुंचाना चाहते हो, यदि बाकी कुछ आप अनबिलीवेबल करना चाहते हो, सपने पूरा करना चाहते हो, तो आपको किसको ये करना है, इसको आपको चुनना होगा। अपने बच्चों को, परिवार को आपको अपना भाई बनाना पड़ेगा। यदि आपका क्यों क्यों क्लियर है, वाई क्लियर है, तो हाउ बिकम्स इजी, कैसे होगा आसान हो जाएगा। लोग मुझे कई बार कहते हैं, बोले ज्ञानी तुमने बहुत मेहनत की है, मुझे पता भी नहीं वैसे मैंने मेहनत कब की मुझे मालूम भी नहीं है, बिकॉज मेरा वाई क्लियर था, मेरा पर्पस क्लियर था, मुझे क्यों करना है। Got it? तो मुझे मेरी मेहनत मिली क्यों, क्योंकि मुझे मेरी मेहनत से प्यार था उस टाइम पे, मुझे मेरे काम से प्यार था, और आज भी दिन रात काम करते हैं, डे एंड नाइट। Got it? तो आज शानदार सेहत एंड शानदार तरक्की मेरे परिवार इसका वजह बने। एंड थैंकफुल टू वन एंड ओनली मार्क्यूस, ताली करो मार्क्यूस सर के लिए, उनकी वजह से कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आज पूरी दुनिया में फैल रही है, पूरी दुनिया में लोग अपनी सेहत को बेहतर कर रहे हैं, कितना शानदार खाना उन्होंने बनाया, आज कितना शानदार अपॉर्चुनिटी की वजह से लोग अपने जीवन को बेहतर कर रहे हैं। थैंकफुल टू मार्क्यू सर, और बाकी उनकी वजह से हम लोग, मतलब वो भगवान से कम नहीं हमारे लिए, यस और यस, इज नॉट लेस देन गॉड, बहुत बड़ा उन्होंने किया। एंड यहाँ पर एक चीज और बोलूंगा आपको लास्ट में, फिर 5 मिनट हम बात और करेंगे, 5-10 मिनट के लिए बात करेंगे हम लोगों, बट एक बात देख लीजिएगा, ये सारी चीजें जो आपके सामने मैंने डिस्कस की लास्ट 45 मिनट्स में, इसका सार ये है जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये इसका सार है, स्मॉल स्टेप्स एवरी डे विल टेक यू टू द बिग सक्सेस मंडे, स्मॉल स्टेप्स एवरी डे विल टेक यू टू द बिग सक्सेस मंडे। छोटे छोटे कदम आपके हर दिन
जब आप रखोगे कामयाबी की तरफ, तो एक दिन आपको बड़ी कामयाबी जरूर मिलेगी। आपको मालूम है चिड़िया भी तिनका तिनका करके घोंसला बनाती है, लेकिन घोंसला एक दिन में नहीं बनता, बट एक दिन जरूर बनता है। आप किसी को भी लो, आशुतोष जी, क्या लगता है आपको वो एक रात में वहां पहुंच गए? नहीं, वो हर रात काम किए, इस वजह से एक रात वहां पहुंच गए। आज दिलीप बजाज जी, विजय सिंगल जी, सभी मिलेनिटी मेंबर्स ऑन द स्कूल, अबे जी, सुभाष, एवरीवन, धर्मेंद्र जी, सभी लोग ये एक रात में नहीं पहुंचे, लेकिन एक रात जरूर पहुंचे। क्यों? चूंकि रातों रात काम किया है, हर रात काम किया इसके लिए। आपको पता है एक कहावत अंग्रेजी में पुरानी, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, रोम वॉज बिल्ट एवरी डे। रोम एक दिन में नहीं बसा, रोम हर दिन बसाया गया है। इस तरह से ये बहुत जबरदस्त है। और मैं लास्ट में कुछ पॉइंट आपको देना चाहूंगा अगले 10 मिनट के अंदर, आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिए उन चीजों को। और यदि आप ये काम भी हासिल करना चाहते हो तो आपको क्या करना जरूरी है, मैं बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, बिकॉज टाइम बहुत शॉर्ट है। तो सबसे पहला कदम है आप अपनी और अपने लोगों की सेहत को बेहतर करने पर फोकस करें, हमेशा एक अच्छे यूजर बनकर रहें। यदि आप एक अच्छे प्रोडक्ट यूजर हैं और आपके ग्राहक भी अच्छे प्रोडक्ट यूजर हैं, तो बताइए क्या हमेशा परिणाम बेहतर आएगा नहीं आएगा? हमेशा अपने आप को निखारने पर काम करें, हमेशा अपने आप को और बेहतर दिखने पर काम करें। मतलब आपको हमेशा गोल लेना चाहिए कि मुझे अब और बेहतर दिखना है, मुझे अगले 6 महीने में और बेहतर दिखना है। आपकी स्किन, आपके इंचेस, आपका वजन, आपका एनर्जी लेवल, हर मामले में खुद को बेहतर बनाइए। नंबर टू, हमेशा सीखने पर फोकस करो, ऑलवेज लर्न, ऑलवेज लर्न, सीखने पर फोकस करो। जब तक आप सीखते रहोगे तब तक आपके अंदर करने का जज्बा बना रहेगा। जब तक आप कहानियां सुनते रहोगे तब तक आपकी उम्मीद जगी रहेगी। हमेशा सीखने पर फोकस करो, कभी भी कोई ट्रेनिंग मिस मत करो, नेवर एवर मिस एनी ट्रेनिंग। इसके अलावा सभी लोग क्लब में ऑलरेडी हर दिन आप क्लब में रहते हैं, आई नो, एंड पूरा चारों तरफ लोग क्लब सिस्टम पे काम कर रहे हैं। आपको मैं क्लब सिस्टम में तरक्की पाने का राज बताई जाना चाहूंगा, जानना चाहोगे? यदि क्लब सिस्टम में वाकई आपको तरक्की पानी है, आपको हर दिन न्यू इनविटेशन पे काम करना है, बाकी सारा काम क्लब में हो रहा है। हेलो, कितने काम थे हमारे? नया ग्राहक बनाना, पहला काम था इनविटेशन करना, फिर था नया ग्राहक बनाना, फिर था उसको केयर करना, फिर था उसको परिणाम तक लेके जाना, है कि नहीं? और फिर था नए कोच बनाना। लेकिन आजकल क्या है, आजकल जो पहला कदम है ना, इनविटेशन, चूंकि वो तो खुद ही करना पड़ेगा। यदि आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं क्लब में, तो बाकी सारे अगले काम अपने आप हो रहे हैं। ग्राहक अपने आप बन रहा है, केयरिंग अपने आप हो रही, ग्राहक जो क्लब में आ रहा है, परिणाम अपने आप, क्योंकि हर दिन परिणाम सुन रहा है लोगों को। वो कोच बन रहा है, क्यों? चूंकि लोगों को आगे बढ़ते देख रहा है। मतलब बाकी सारे काम अपने आप हो रहे हैं। हम लोग यदि इन्विटेशन, मतलब मान लो कि इस महल की जो नींव है ना, वो इन्विटेशन है। यदि आप अपने आप को क्लब में लोगों को इन्विटेशन करने पर मजबूत बनाओगे, और कितना, आपको 200 इन्विटेशन एक दिन में नहीं करने हैं। कुछ लोग ये काम करते, बहुत गलती करते हूँ, 200 फ्लाइट लिए टक 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 करके मैंने कर दिया 200 इन्विटेशन, दैट्स इट। 200 इन्विटेशन एक दिन करने से काम नहीं चलेगा भाई, हर दिन 10 इन्विटेशन करने से काम चलेगा। आप एक सप्ताह में एक दिन गए, 200 इन्विटेशन करके आ गए, है कि नहीं? अच्छा, ये ठीक होगा, या 10 इन्विटेशन आप 7 दिन तक लगातार करो, ये ठीक रहेगा? मेरे हिसाब से 10 इन्विटेशन हर दिन करने से आपको लोगों को मालूम पड़ेगा कि किससे किसको इन्विटेशन दे पाए हो। आपके पास नाम नोट होंगे लोगों के, फोन नंबर लेकर के आओ 10 लोगों के, उनकी सेहत को बेहतर करने के लिए। बस 10 नाम आप पे आ गए, वो अपनी सेहत चाहते हैं और वो क्लब विजिट करने के लिए तैयार है ऑनलाइन, गॉट इट? ऐसे 10 के 10 नहीं आएंगे, उसमें से एक भी आएगा काफी है, बात समझ रहे हो? कई बार एक भी नहीं आएगा, पर मुद्दा 10 का है। 200 इन्विटेशन एक दिन में नहीं कर रहे, हर दिन 10 कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अच्छा, हमारा जो शेक है, जो शेक का डब्बा है, 2 शेक हर दिन पीने से 1 शेक का डब्बा 10 दिन में खत्म होता है, बात समझ रहे हो? अब क्या करो, वो पूरा शेक का डब्बा एक दिन पी जाओ। तो 10 दिन का शेक यदि आप एक दिन पिलोगे तो क्या 10 दिन का फायदा एक दिन में मिल जाएगा आपको? दिस इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी।
आपको दो शेक पीने हर दिन, और 10 दिन में जब दो दो शेक पियोगे ना तो आपकी स्किन अच्छी होगी, एनर्जी बढ़िया होगा, डाइजेशन, वजन कम होगा आपका, या वजन बढ़ाना वजन बढ़ेगा आपको, जो भी फायदा है आपको। बट मेरा मुद्दा है कंसिस्टेंसी का, हर दिन करना है। अच्छा, ट्रेनिंग कब ज्वाइन करनी चाहिए? एक ही महीने पूरे, एक ही महीने हर दिन ट्रेनिंग में रहे और फिर 3 महीने दिखे भी नहीं नहीं चलेगा भाई। आपको हर दिन एक ट्रेनिंग अवश्य अटेंड करनी है, कौन सी है? क्लब वाली। उसके फालतू कर सको तो अच्छी बात है, नेवर मिस द क्लब, नेवर मिस द क्लब। बस माने कोई काम आपको एकदम से नहीं करना है, आपको सारे काम कंसिस्टेंटली करना है। अगला पॉइंट, अपने कोच का बहुत सम्मान करो, अपने स्पॉन्सर का बहुत सम्मान करो, अपने एक्टिव स्पॉन्सर का बहुत सम्मान करो और फॉलो करो अपने एक्टिव स्पॉन्सर को। ऑलवेज फॉलो योर एक्टिव स्पॉन्सर, फॉलो योर एक्टिव स्पॉन्सर, क्योंकि आपके स्पॉन्सर, आपके कोच ही आपको अगले लेवल तक लेके जा सकते हैं। एंड एक और पॉइंट लास्ट में आपको बोलना चाहूंगा मैं, एंड वो है लक्ष्य, गोल। हमेशा गोल बना के काम करो, हमेशा लक्ष्य बनाओ। आपके पास साप्ताहिक गोल, मंथली गोल, क्वार्टरली गोल, ईयरली गोल आप पे होने चाहिए। 2022 अभी गया नहीं है अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इन 3 महीनों में चाहो तो एक्टिव सुपरवाइजर कर सकते हो, इन 3 महीनों में चाहो तो ब्रांड न्यू सुपरवाइजर बन सकते हो। अभी भी 2 दिन बचे हैं भाई, आज का कल का, इसलिए बोलो 3 महीने 1 तारीख से 2 महीने रह जाएंगे, फिर अभी 3 महीने, अभी अभी भी गेटी मेंबर ब्रांड न्यू बन सकते हैं। इसी महीने रॉयल्टी पूरी करो 1000, अगले महीने करो, अगले महीने करो, 2023 में आप ब्रांड न्यू गेटी में खड़े होंगे मंच के ऊपर। आप अभी से जो भी लोग एसोसिएट्स हैं वो इसी साल में सुपर से बन सकते हैं। आप क्यों सोच रहे हो साल गया, ये साल गया नहीं, ये साल ही है, कहीं नहीं गए, गॉट इट? तो आप जो भी गोल हासिल करना चाहते हो इस साल में हासिल कर सकते हो, बट शुरू करो इस महीने। आपके इस महीने के कुछ लक्ष्य होंगे, आपके पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट का लक्ष्य, आपके इन्विटेशन का लक्ष्य, आपके कस्टमर का लक्ष्य, आपके परिणाम का लक्ष्य। फोकस करो और ये आज और कल 2 दिन पूरा लगा दो अपना केवल जो आपका क्वालिफिकेशन पे कोई गोल था, यदि था तो, यदि नहीं गोल है तो कोई बात नहीं, अपने फिर गोल बनाओ। पर आपका गोल था कोई, आपका कुछ क्वालिफिकेशन चल रही है, आपका कुछ इवन स्पेक्टिकुलर, यू नो स्पेक्टिकुलर की क्वालिफिकेशन चल रही है, क्वालिफाई स्पेक्टिकुलर, हर महीने वॉल्यूम बन करना है, एवरी मंथ, गॉट इट? अपने गोल देखो, गोल कहां है आपके, उन गोल को पूरा करने के लिए काम करना, गॉट इट? तो आज और कल 2 दिन पूरा लगाना अपना क्लोजिंग के ऊपर, गोल के ऊपर, ट्रेनिंग क्वालिफाई करने के ऊपर, कुछ प्रमोशन चल रहे उनको क्वालिफाई करने के ऊपर। पीछे मत हटो, डोंट गेट बैक। दिवाली खत्म हो गई अब पटाखे खत्म होगी नहीं, मैं आपके मिठाइयां वैसे कहा जाता है कि जब तक पटाखे और मिठाई खत्म ना हो तब तक दिवाली खत्म नहीं होती है अब दिवाली खत्म हो गई है भाई, अब पटाखे खत्म हो गए आपके, अब वापस आ जाओ फिर से। हमारे लिए पटाखे शेक के डब्बे हैं, हमारे दिवाली शेक के डब्बे है, सॉरी यस, वही हमारी दुनिया है। तो इस तरह से वापस फिर से आ जाओ। तो आज और कल लगा दो अपने गोल पूरा करने में, अपने कोच से बात करो, अपने स्पॉन्सर से बात करो, कौन सी क्वालिफिकेशन चल रही है आप किसको देखो, एंड फोकस ऑन दैट, ठीक है? किसी महीने को भी अपने को जाने नहीं देना है। परफॉर्मर हर महीने परफॉर्म करते हैं, वो कभी कभी परफॉर्म नहीं करते। जैसे कि शेक हर दिन पीने से सेहत मिलती है, ऐसे हर महीने परफॉर्म करने से आपको अगले लेवल आते हैं। कभी कभी शेक पीने वाले को या एक ही दिन में सारा शेक पीने वाले को सेहत नहीं मिलती। अच्छा, कभी कभी शेक पियो सेहत मिलेगी नहीं, एक दिन पिलो नहीं मिलेगी, लगातार करना पड़ेगा। तो परफॉर्मर हर महीने बनना है अपने। तो जैसे कोलकाता हूं, तुरंत अपने स्पॉन्सर वर्ल्ड टीम मेंबर, स्पॉन्सर गेट टीम मेंबर, मिलन टीम मेंबर एंड प्रेजेंटी मेंबर ऑल्सो, आप बात करो उनसे, गॉट इट? एंड अपने लक्ष्य को पूरा करो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज विजय भाई आपने मुझे मौका दिया
कितने शानदार लोगों से शुरू से मिलने का मुझे आपने अवसर दिया, एंड मुझे उम्मीद है कि शायद मेरी कहानी और कुछ पॉइंट जो मैंने आपको दिए इसकी वजह से आपके जीवन में कुछ मूल्य ऐड हो सके, कुछ बेहतर वैल्यू ऐड हो सके आपके जीवन में। मैंने इसका पूरा प्रयास किया। बाकी सब बातें करने का, सारी कहानी बताने का जो मेरा उद्देश्य था वो ये था कि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको इंस्पायर करने के लिए था, ना कि आपको फायर करने के लिए। इट वॉज नॉट टू फायर यू, इट वॉज टू इंस्पायर यू। गॉट इट? ये सारी चीजें जो मेरी जिंदगी में आई है ये आपकी जिंदगी में आ सकती है। गॉट इट? हम सब सिंपल सिंपल परिवार से हैं। विजय भाई देखिए कितना उनके लाइफ में स्ट्रगल था, एंड मेरा देखिए, एंड सारे दुखड़े बताऊंगा ना तो सारे टप टप आंसू भर के रहेंगे यहीं पे। और ऐसी कहानी जाने कितने लोग है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपकी सेहत अच्छी हो, जिंदगी भर स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, खुशियां भर भर के जिंदगी में आपके आए, और हर अगली दिवाली या हर कोई अगला त्योहार आपका वो पहले से बेहतर जाए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू सो मच ज्ञानेंद्र सर। और आपने जो बोला ना कि आपकी स्टोरी, एक्चुअली जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनके लिए तो शायद ये 10x का काम करे, बट हमने आपकी लाइफ को नजदीक से देखा है। और मैं और आप लगभग बात करें तो 2008-09 से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, और हमारे लिए ये 100x काम करती है। हमारे तो अभी भी आंसू टप टप बहते हैं जब उन चीजों को याद करते हैं, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर वो दिन सपने में भी आ जाए जो हम लोगों ने 2009 से लेके 2012-15 के बीच में मतलब गुजारे हैं वो दिन। और हम आपका कैसे थैंक्स करें सोच भी नहीं सकते। पर आज की जो पंच लाइन है वो एक बात जरूर आप सब ध्यान रहे, सर ने स्पेशली बोला है नॉट ए क्योट के सक्सेस कम्स फ्रॉम, अगर बोले तो सक्सेस रेगुलर काम करने से आएगी, नॉट ओकेशनली। स्मॉल स्टेप्स एवरीडे है ना, क्योंकि कोई भी काम मतलब वो बहुत जबरदस्त एग्जांपल है ना कि 20 शेक आप एक ही दिन में पियोगे तो आप सोचोगे चलो इकट्ठा ही कर लो, आप शेक छोड़ो 3-4 डोज आपको डॉक्टर ने मेडिसिन की दिया गया वो सारी इकट्ठी खा लेंगे, हम लोग नहीं खाते कई बार है ना। कुछ भी चीज तो लगातार करने से आएगा। और सर ने इतनी जबरदस्त चीजें बताई है, देखिए मैंने स्पेशली नोट्स, मैं जब भी बात करता हूं मजे की बात पता क्या है, हमें कई बार क्या लगता है आज कुछ लोग पता क्यों नहीं आए होंगे, अरे ये तो अपने सर हैं, अपने सर से तो जाके हम मेरठ ही सीख लेंगे। नहीं, अगर मैं सर के साथ इनके घर में जाके बैठूंगा या मेरे घर में आए हम जाते हैं, पर वो बात नहीं होती जो इधर गद्दी पे बैठ के होती है। वो बोलते हैं ना पंच परमेश्वर होते हैं, मैंने सर कई बार चेक किया ये चीज, मैं नहीं बता पाता लोगों को वो बात जो मैं इधर आके बता पाता हूं। जो आप इधर आके बताते हैं ना मेरे को हर दिन लगता है कि ये ज्ञानेंद्र सर क्या मतलब इतनी जबरदस्त न्यू इंप्रूवमेंट की है ना। तो हम सबको एक ही चीज ध्यान रखना है, नेवर एवर मिस एनी ट्रेनिंग, नेवर एवर मिस एनी ट्रेनिंग, ये सब सर का टैगलाइन है। और हमारे 3 महीने में ही सुपरवाइजर वर्कशॉप की होती है, महीने में 3 क्यों नहीं होती। तो आज कल 10 या 12 तारीख तक सभी एरिया में सुपरवाइजर वर्कशॉप है, आप सब उसका टिकट जरूर बुक करें। सर ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ये बोला है, करनाल में है नॉर्थ इंडिया का, इधर हरियाणा यूपी का, लुधियाना में है, आप कहीं की भी टिकट बुक करें, दिल्ली में है ना, हर 100 किलोमीटर के एरिया के बाद एक सुपरवाइजर वर्कशॉप होती है, आप उसको जरूर बुक करें। और अगेन मैं फिर थैंक्स करूंगा आप सब लोगों की क्लैपिंग के साथ ज्ञानेंद्र सर का, हम सर का बुके देके भी थैंक्स करेंगे जबरदस्त। और अभी मैं जल्दी जल्दी 2-3 लीडरशिप हमारे बीच में है, चाहूंगा कि वो इनका सर का थैंक्स करें। यस अजय सिंह लुकिंग स्मार्ट, अरे ग्रेट अजय, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच ज्ञानेंद्र सर, वाकई आज के ट्रेनिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सारी नई चीजें सुनी। और सबसे मेन चीज सर, जब भी आपको सुनते हैं ऐसा लगता है पहली बार सुन रहे हैं, सारा इतना जबरदस्त एनर्जी लेवल आपका, मतलब जो पहले दिन था बहुत सारे लोगों का वो नहीं रह पाता, आपका आज भी वही है। और आपको सुन सुन के हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, और डेफिनेटली अगले साल हम लोग पिन चेंज करके जाने वाले हैं, बिल्कुल भी हम ये साल खत्म नहीं करेंगे बिना पिन चेंज करे। सो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच विजय सिंगल सर, आज का संडे हमारा पूरा प्रॉफिटेबल करने के लिए, पूरा महीना प्रॉफिटेबल हो गया ये मान लो, नवंबर की शुरुआत भी अच्छे से होगी हमारी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक और बात कह दूं सभी को, जो सर ने बोला है पिक्चर अभी बाकी है मेरे पास, यस अभी जो 2 दिन है ना ये 2 दिन 1 महीने का काम करेंगे, और सर ने बोला 3 महीने, पर जो लोग वेकेशन पे काम कर रहे हैं उनके पास 4 महीने हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जैन भी है, क्योंकि वर्क ऑन वेकेशन
क्योंकि जो लोग सिंगापुर गए थे वो बता सकते हैं कि वोकेशन क्या है। तो आप चार महीने भी हैं आपके पास, और नहीं तो तीन महीने में तो गेट टीम, मिल टीम, प्रेस टीम कुछ भी हो सकता है ना। बट सर ने बोला अगर आपका टारगेट है तो उसे मत छोड़ें, मत तोड़ें, है ना, वो आप कंटिन्यू बना के रखें। तो थैंक यू सो मच अजय सिंह, गॉड ब्लेस यू, सून टू बी मिलियनेयर टीम। अभी हम जल्दी से बात करते हैं डॉक्टर एंड मिस्टर एंड मिसेज सोमरा से। यस, थैंक यू सर, थैंक यू ज्ञानेंद्र जी, बहुत बढ़िया सर, सुपर, बिल्कुल आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आपने इतना वक्त निकाला और हमें सभी को एनर्जेटिक किया, नो डाउट। और मैं सीरियसली बोलूं तो आपकी पूरी स्टोरी से एक चीज समझ में आती है कि यहाँ पे हेल्थ ही मिलेगी और वेल्थ ही मिलेगी, और यहाँ पे दो ही काम हमें करने होते हैं, ये फैक्ट है। अपने आप को सुंदर बनाना है और लोगों को सुंदर बनाना है, ये इसी चीज के अंदर सब कुछ छिपा हुआ है। और पता आपको, हर व्यक्ति को सुंदर बनाना और अमीर बनाना, ये पावर केवल विष्णु भगवान के पास में, ये हर लाइफ में हमें दी है, हम बड़े लक्की पर्सन है। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, और डेफिनेटली आपने से करके दिखाया है। ओके, थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू करण जी। और मैं तभी अक्सर बोलता हूं कि लक्ष्मी की पूजा करोगे तो खाली लक्ष्मी मिलेगी, विष्णु की पूजा करो लक्ष्मी पीछे पीछे आएगी, सच में है ना। तो उन्हीं का वो बोलते हैं ना, विष्णु की पूजा करो तो लक्ष्मी पीछे पीछे आएगी, किधर जाएगी, है ना। हेल्थ इज वेल्थ, इसी को बोलते हैं हम लोग। तो यस, अभी हमारे बीच में हमारे मिलीनियर टीम अभय सिंह है। यस अभय जी, कैसे धन्यवाद करेंगे हम, प्रणाम सर, गुरु ज्ञानेंद्र जी का। ये वही महीना है जब 7 साल पहले आपके चरण गुड़गांव में पड़े थे, 18 अक्टूबर 2015, और मैं सिर्फ आवाज को रिकॉग्नाइज कर पाया था। वो आदमी जो सामने बैठा था वो मैं उसको नहीं जानता था, मैं उन्हीं गुरुजी को जानता था जिनका बड़ा सा पेट था, भारी सा फेस और मूछे रखते थे मोटी मोटी, मैं उन ज्ञानेंद्र सर को जानता था। और जब आपने चेकअप करके ये संजीवनी से हमारा इंट्रोडक्शन कराया, उसके बाद से जिंदगी बदलना शुरू हुई, और वो सिलसिला ऐसा चला के चल रहा है और अब कोई ताकत नहीं है कि उसको रोक दे। मेरी पूरी फैमिली हर्बलाइज हो चुकी है, घर में मेरी ज्वाइंट फैमिली है, 14 लोग, हर रोज सुबह आप सबको थैंक यू करते हैं और इस संजीवनी का सेवन करते हैं, बहुत अच्छी लाइफ हो गई है। और मैं हेल्थ के लिए ही यहाँ पे आया था, पैसा सैलरी से भी काफी आ रहा था, लेकिन उसके बाद जब वो कहते हैं कि सही समय पे सही चीज समझ में आती है, और आप लोगों के साथ सीखते सीखते, सो आप जैसी पर्सनैलिटी से जो मिलवाते हैं वो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो परमात्मा से ही मिलवाने के लिए एक गुरु बीच में होता है, सो ही इज नन अदर देन माय कोच स्पॉन्सर अपलाइन मिस्टर विजय सिंघल सर। इनके लिए सर के लिए हम फिर से एक बार क्लैप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी सारी चीजें बता दी कि कैसे कैसे सर अरेंज करके हमारे लिए इवेंट मैनेज कराते हैं, और आपके सर जितने मर्जी सेशन हो जाए हमारे पेज भरते ही भरते हैं डायरी, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नई चीज निकल के आती है, और यही एक अच्छी लीडरशिप की पहचान होती है कि कुछ लोग, जैसे सर ने बोला कि कुछ लोग सोच रहे होंगे हाँ ज्ञानेंद्र सर की ट्रेनिंग तो हमने बहुत लिया, ऐसा नहीं होता। अगर हमने 2 महीने पहले सेशन लिया तो पिछले 2 महीने में भी तो सर ने अपना नॉलेज बैंक बढ़ाया होगा, उसमें से बहुत सारी चीजें निकल के आती है। अगर हम अगर अपने स्पॉन्सर, अपने एक्टिव स्पॉन्सर, अपने गुरुओं को 2 दिन बाद भी सुने तो वो 2 दिन का जो अर्जित किया हुआ ज्ञान है वो भी हमें वो दे देते हैं। ये गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि सर के पास 10 बजे तक का टाइम था और अभी सर 20 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं और सर का एक और मीटिंग है, तो हम जल्दी जल्दी से सर का फ्लायर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और फर्क तो हमें सुबह से शाम में ही फर्क पता चल जाता है, सुबह एक टॉपिक पे बात करो, शाम को बात करो तो कुछ नया निकल के आता है। सो थैंक यू सो मच सर, और हमें आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू अभय जी। और मैं चाहूंगा जो भी लीडरशिप हमारी इस टीम मीटिंग में होते हैं वो अपने नाम को रीनेम करके आए और वीडियो ऑन करके आए, तभी हम लोग उनको रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं यहाँ पे, या उनसे बात कर सकते हैं हम लोग। यस yes, अभी आप लोग सब सेल्फी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, ये हमारा तरफ से एक वर्चुअल छोटा सा तोहफा, कबूल कीजिए 3 इडियट वाला, हम तो आज भी इडियट ही हैं। Thank you so much. Thank you so much and God bless you, sir, and all team. Again, sir, namaskar.